करने जा रहे हैं रिएक्ट, सही है। हमने जावास्क्रिप्ट पूरी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है और आप सब लोगों ने उसके असाइनमेंट्स वगैरह भी बना लिए हैं। तो अब रिएक्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम कहाँ से पढ़ेंगे? हाँ, एक क्विज, पता नहीं, एक क्विज बाकी है तो बस सही है। वो इन्हीं चैप्टर्स में से होगा जो हम ऑलरेडी, हमने तो आखिर तक पढ़ दिए हैं पूरे चैप्टर। अब अगर उसमें कुछ रहते होंगे तो हम कवर कर लेंगे बाद में। वेल तो अच्छा, सही है। अच्छा जी, अच्छा ये आर्टिकल है, कंप्लीट रिएक्ट ट्यूटोरियल, डेव सीडिया नाम है जिन्होंने ये लिखा है आर्टिकल। तो हम यहाँ से हम फॉलो करेंगे, जो हेलो वर्ल्ड है रिएक्ट का वो हम यहाँ से बनाएंगे और फिर इसको हम छोड़ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे इनके मूव कर देंगे, वहाँ से हम बाकी की रिएक्ट इंशाल्लाह बनाएंगे। तो शुरू करते हैं जी इसको हम, आज कोशिश करेंगे हम आज हेलो वर्ल्ड बना के जाए इस क्लास से, ठीक है। रिएक्ट का पहली इसने बात ये लिखी है, लर्निंग रिएक्ट इज टफ, इट सीम्स देयर इज अ लॉट टू लर्न एट वंस। कह रहे हैं कि रिएक्ट जब हम सीखते हैं, और आप में से शायद कुछ लोगों ने सीखने की कोशिश की हो यूट्यूब वगैरह के जरिए, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ सीखनी पड़ रही हैं। यू माइट इवन थिंक दैट लर्निंग रिएक्ट मीन्स यू हैव टू ऑल्सो लर्न अबाउट रिडक्स, वेब पैक, React Router, CSS, JavaScript and pile of other stuff. ये सब मिल के चल रहा है। अच्छा, अच्छी बात यह कि इसमें से हमने CSS और JavaScript पहले से पढ़ी हुई है, थोड़ी चीज़ हमने पहले से पढ़ी। This article is designed for total beginners to React. ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है ये जिनको React बिल्कुल भी नहीं आती, as well as folks who have tried to learn in past. उन लोगों के लिए भी जो पहले कोशिश कर चुके हैं और had a tough time. उनको नहीं समझ में आया। आई थिंक आई कैन हेल्प यू फिगर आउट कि इसको लगता है कि ऐसे लोग जो पहले सीखने की कोशिश की थी और नहीं उनसे हुआ, उनके लिए कुछ फिगर आउट कर लिया इसने करीबा। अच्छा, अब क्या क्या कवर होगा इस आर्टिकल में वो इसने डिस्कस किया है, व्हाट रिएक्ट इज एंड व्हाई इट्स वर्थ लर्निंग, कि रिएक्ट है क्या और इसको आखिर सीखा ही क्यों जाए इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। आया कि रिएक्ट को सीखने का कोई फ़ायदा है एज कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स, तो ये डिस्कस होगा। हाउ टू गेट समथिंग ऑन द पेज विद कंपोनेंट्स एंड जेएसएक्स। अब कंपोनेंट और जेएसएक्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रिएक्ट के, तो उसको यूज़ करते हुए कि पेज पे कुछ दिखाया कैसे जाए। अब ये अगली बात, ये पूरा आर्टिकल बता दिया इसने कि क्या क्या होगा। अरे इसको क्या होगा, अच्छा तीसरी बात ये करेगा, पासिंग डेटा टू कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स। अब ये बाकी के पॉइंट मेरे ख्याल है मुनासिब नहीं है, ये हम पढ़ते पढ़ते ही सारे पॉइंट कवर करेंगे तो ज़्यादा सही समझ आएगा। व्हाट इज रिएक्ट इसने कहाँ डिस्कस किया, गुम हो गया। मेरे ख्याल यहीं से हम आगे बढ़ते हैं मजीद, जो व्हाट इज रिएक्ट वाला मिस कर दिया जाए है अलग से। हाँ ये व्हाट इज रिएक्ट, अच्छा रिएक्ट इज अ यूआई लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक। अच्छा रिएक्ट जो है वो क्या है, यूआई की लाइब्रेरी है। व्हाट डज इट मीन बाय लाइब्रेरी,
व्हाट इज लाइब्रेरी, हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं जी। बहुत सारे फंक्शंस को जब एक जगह जमा कर देते हैं तो वो फंक्शन की लाइब्रेरी बन जाती है। अब आपका दिल करता है आप जो फंक्शन आपको ज़रूरत होती है वो फंक्शन आप कॉल करते हैं, तो एक यूआई बनाने की लाइब्रेरी है। अच्छा, एक तो यूआई बनाते हैं एचटीएमएल से, एचटीएमएल से एक यूआई बनाते हैं, एक ये लाइब्रेरी है, इससे भी बन जाती है। तो वो सारे काम जो हम एचटीएमएल से करते थे वही सारे काम हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्ट में ऐसी चीज़ हो रही है जो एचटीएमएल से हो नहीं सकती, एचटीएमएल से हो सकती हैं वो सारी चीज़ें, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एचटीएमएल में हो सकती है और रिएक्ट में नहीं हो सकती। जो जो चीज़ें एचटीएमएल में होती है वो सारी वही चीज़ें इसमें होंगी। लेकिन लाइब्रेरी आमतौर पर क्यों बनाई जाती है, ताकि काम थोड़ा फास्ट हो जाए और थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर बने बनाए फंक्शंस होते हैं, इसके अंदर बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, उनको शुरू से दोबारा बनाते नहीं हैं, ठीक है। जैसे CSS की लाइब्रेरीज, जैसे बूटस्ट्रैप है, कि आपको खुद से CSS नहीं लिखनी पड़ती, पहले से लिखी हुई आप जस्ट यूज़ करते हैं, तो ये पूरे पूरे UI बनी हुई लाइब्रेरी है उसकी। अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि यार रिएक्ट किया UI की लाइब्रेरी है क्रिएटेड बाई Facebook, Facebook ने इसको अपने लिए बनाया था, फिर 2016 में उन्होंने इसको पब्लिक कर दिया। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने थे कि एंगुलर फ्रेमवर्क हुआ करता था, उनका सेकेंड वर्जन उन्होंने लाने में बहुत लेट कर दिया, तो मार्केट में बहुत गुस्से में आ गई थी, तो इन्होंने मौका गनीमत देख के उन्होंने कहा चलो हम इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इन्होंने पब्लिक कर दिया अपना ये फ्रेमवर्क, और रातों रात ये आसमान को छू गया, सही है, ओवरनाइट इसको सक्सेस मिल गई, क्योंकि मार्केट में और कोई ऑप्शन नहीं था, मार्केट में इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था उस वक्त। एंगुलर वन उस वक्त मौजूद थी मार्केट में, एंगुलर वन पॉइंट समथिंग था, बट उसमें बहुत डिज़ाइन लेवल के बड़े प्रॉब्लम्स थे, उसमें .NET वगैरह पे वापस जा नहीं सकते थे जहाँ से वो आए थे, जो क्लाइंट्स जो कंपनीज थी उस वक्त की वो .NET से जावा वगैरह से उठ के आई थी इधर, कि यार अब वेब एप्लीकेशन बनाएंगे हम, और यहाँ पे उनको डिज़ाइन लेवल के ऐसे प्रॉब्लम्स मिल गए जिसकी वजह से उनका काम रुक गया। उन्होंने बोला इस पर जितना भी टाइम लगाएंगे वो सब ज़ाया हो जाने आगे। तो एंगुलर वालों ने वादा किया कि हम 2.0 ला रहे हैं जिसमें हम ये सारे मसले हल कर देंगे। 3 साल तक उन्होंने रुलाया, ठीक है, 3 साल तक वो लारे लप्पे में रखा, और तीसरे साल फिर इन्होंने ना अपना ये पब्लिक कर दिया, तो सब लोग इस पर मूव कर गए। वेल, रिएक्ट जो 2016 में लॉन्च हुई थी, अभी की रिएक्ट उससे बहुत मुख्तलिफ है। उस वक्त तो रिएक्ट नहीं थी, सर का दर्द था मतलब, अभी ये काफ़ी बेहतर हो चुकी है, और अभी ये इस काबिल है कि इस पर प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। पहले तो लोग मजबूरी में इसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब ये वाकई इस काबिल हो गई है कि इस पर प्रोडक्शन की ऐप चल सकती है। अच्छा, इट हेल्प्स यू क्रिएट इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस। व्हाट डज इट मीन बाय इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस, या इंटरैक्टिव का मतलब क्या है? यूजर भी उससे इंटरेक्ट कर सकता है, टू वे कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, इससे पहले जो शुरू शुरू में जो वेबसाइट बनती थी, हमने क्या डिस्कस किया था कि वो पंफलेट की तरह होती थी, ऐसी होता था ना, एक पंफलेट है वो पेपर पे छपता था पहले, फिर बाद में कंप्यूटर आ गया, उन्होंने बोला ये कंप्यूटर पे होना चाहिए पंफलेट। वेब 1.0 जिसमें यूज़र सिर्फ देखेगा, कुछ कर नहीं सकता, क्लिक नहीं कर सकता किसी चीज़ पे, अपना डेटा नहीं एंटर कर सकता, वो था वेब 1.0, नॉन इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव नहीं होता था वो। अच्छा, फिर उसके बाद वेब 2.0 जब आया ना, इंटरेक्शन शुरू हुई, कि अच्छा यार फॉर्म हो गए, उसको फिल करेगा बंदा, सबमिट करेगा तो डेटा जाएगा सर्वर पे, ठीक है, लॉग इन साइन अप करेगा बंदा, फेसबुक पे पोस्ट को देखेगा तो लाइक भी कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है, किसी बटन पे क्लिक करेगा तो कुछ होगा। ये सारी चीज़ें इंटरेक्शंस में शामिल हैं, कि यूज़र ना सिर्फ उस वेबसाइट को विजिट करेगा बल्कि उससे इंटरेक्ट भी करेगा, ठीक है। अच्छा बच्चा, ये फ़ोन साइलेंट कर दिया करो। तो इंटरेक्शन जितनी भी है ना सारी, अच्छा क्या हमने अभी तक जो एप्लीकेशंस बनाई हैं, क्या उनमें से कोई एक एप्लीकेशन भी इंटरेक्टिव थी? लॉगिन फॉर्म जो बनाया था वो इंटरेक्टिव था। अच्छा, और कोई? वेदर ऐप जो थी वो भी तुम कह रहे हो इंटरेक्टिव थी। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में इंटरेक्टिव एप्लीकेशन थी। सारी तकरीबन जो हमने बनाई है वो इंटरेक्टिव थी। सब लोग इससे एग्री करते हैं या कोई इससे डिसएग्री भी करता है? अच्छा, तो ऐसा ही है बिल्कुल।
बिल्कुल सही बताया आप सब लोगों ने जी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी असल में इसीलिए बनाई गई थी, बिल्कुल सही उसने कहा है कि वरना नॉन इंटरेक्टिव एप्लीकेशन के लिए तो जावास्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है आपको, वो तो सिर्फ एचटीएमएल से बन जाएगी नॉन इंटरेक्टिव। भाई क्या इमेजेस लगा दोगे ना, बॉर्डर लगा दोगे, कलर चेंज कर दोगे, टेक्स्ट लिख दोगे, उसके लिए तो एचटीएमएल और सीएसएस ही काफ़ी है। जावास्क्रिप्ट असल में बनी इसीलिए कि इंटरेक्टिव पेजेस बनाए जा सकें। तो जवाब ये है उसका कि हम अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन बनाते रहे हैं उनमें से ज़्यादातर इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन थी, सिवाय वो सीवी वाले को छोड़ के जो बिल्कुल पहला बनाया था वो इंटरेक्टिव नहीं थी, उसमें कुछ कर नहीं सकता था यूजर, उसको छोड़ के उसके बाद जो हमने कैलकुलेटर जब बना लिया था ना उसके बाद की सारी इंटरेक्टिव एप्लीकेशन थी। यूज़र आता था, दो नंबर डाल के सम दबाता था तो प्लस होके दिख जाता था, ठीक है, अपना डेटा इंटरेक्ट करता था उसके अंदर। अच्छा, तो इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन जो होती है ना वो हम पहले भी बनाते रहे और इस पर भी हम वही चीज़ बनाएंगे, कोई नई चीज़ आसमान से नहीं उतर के आएगी, हम वही एप्लीकेशन सारी जो हम पहले जावास्क्रिप्ट पे बनाते रहे हैं वही इस पर दोबारा बनाएंगे, सही है। अच्छा, तो फिर रिएक्ट का फ़ायदा क्या हुआ, जब वही चीज़ें हम इस पर भी बना रहे हैं और मैंने ये भी कह दिया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रिएक्ट के बगैर बन ना सकती, और रिएक्ट के बगैर भी बन जाएगी, रिएक्ट के साथ भी बन जाएगी, तो फिर रिएक्ट का फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा, फ़ायदा ये हुआ रिएक्ट का, मेड अप विथ कंपोनेंट्स, इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन बनेगी मेड अप विथ कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अंग्रेजी में कंपोनेंट किस चीज को कहते हैं, टुकड़े को कहते हैं, हिस्से को कहते हैं, कैसा हिस्सा, मतलब पीस को भी तो, पीस भी तो बोलते हैं ना, टुकड़े को पीस भी तो बोल सकते हैं, तो कंपोनेंट क्या किसी खास किस्म के टुकड़े को कंपोनेंट बोलते हैं, बार बार यूज हो सके, और बताओ कलेक्शन ऑफ पीसेस को, मैं अभी प्रोग्रामिंग को भूल जाऊँ, अभी प्रोग्रामिंग को थोड़ी देर के लिए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अंग्रेजी में कंपोनेंट किस चीज़ को कहते हैं। देखो एक दोस्त ने बताया कि टुकड़े को कहते हैं, तो टुकड़े को तो पीस भी कहते हैं ना, तो क्या पीस में और कंपोनेंट में कोई फ़र्क है, एक ही चीज़ के दो नाम है, एक सवाल है ना ये, तो गूगल भी कर सकते हैं आप, पीसेस बहुत सारे पीसेस को मिला के कंपोनेंट बनता है जी। आप कुछ कह रहे हैं, किसी बड़ी चीज़ का एक छोटा पार्ट, छोटा एलिमेंट, मिसाल के तौर पे जैसे ये एसी रखा हुआ है, इसमें कंपोनेंट क्या चीज़ है, हैं एसी पे कोई कंपोनेंट नहीं है, एसी पूरा एक है। अच्छा, और चलो मैं भी गूगल करता हूँ कि व्हाट डज इट मीन बाय कंपोनेंट, कहानी सारी नाम में छुपी हुई है भाई, नाम पे गौर करोगे सब समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या गेम चल रहा है। अच्छा, अ पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ लार्जर होल स्पेशली अ पार्ट ऑफ मशीन और व्हीकल, ये समझ आया, पार्ट और एलिमेंट ऑफ अ लार्जर होल। अब इसने जुमला भी ऐसा लिखा है ना कि थोड़ा मुश्किल है, एन असेंबली प्लांट फॉर इम्पोर्टेड कंपोनेंट। चलो मैं इसको आसान करके समझाता हूँ, एक दूसरा भी इन्होंने डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट ऑफ लार्जर होल, वेल छोड़ो मैं तुम्हें आसान करके बताता हूँ कि क्या मतलब है इसका। जैसे एसी है ना, ये एसी एक मशीन है, एक एलिमेंट है, या एक मशीन है, या एक उसको जो भी कह लो, एसी बकायदा खुद ही एक नाम है सर। इस एसी के जो कंपोनेंट्स है ना वो इसका कंप्रेशर है, एक कंपोनेंट क्या है, कंप्रेशर, इसका कंप्रेस करता है वो एयर को। अच्छा, एक कंपोनेंट इसका है वो जो जाली जिसके अंदर वो गैस घूमती है वो, हाँ। अच्छा, इसी तरीके से ये जो कंप्यूटर है आपके सामने रखा हुआ, मॉनिटर इसका एक कंपोनेंट है, माउस एक कंपोनेंट है, कीबोर्ड एक कंपोनेंट है, CPU भी एक कंपोनेंट है असल में,
हैडर फुटर तो नहीं बोला किसने बोला भाई? अच्छा आपने बोला, नहीं मुझे शायद कुछ और सुनने में लगा। अच्छा नहीं अभी हैडर फुटर अभी असल में कंपोनेंट की बात हो रही है, कंपोनेंट है क्या? अच्छा तो फिर पीस में और कंपोनेंट में क्या फ़र्क हुआ भाई? अगर इसमें से कोई टुकड़ा टूट जाए वो पीस है वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ मॉनिटर एक कंपोनेंट है। तो किसी बड़ी मशीन का फुली फंक्शनल पार्ट एक कंपोनेंट कहलाता है। कंपोनेंट के का फ़ायदा क्या होता है? कंपोनेंट इंटरचेंजेबल होता है। एसी का अगर कंप्रेशर ख़राब हो जाता है तो वो कंप्रेशर हटा देते हैं, दूसरा लगा देते हैं, हो गया। कंप्रेशर इट्सेल्फ एक कंप्लीट मशीन है, ऐसा ही है ना? इसका बल्कि कंप्रेशर कुछ लोग निकाल के ना उसको साइकिल वाले ने अपनी दुकान पे भी रखा होता है, हवा भर रहे होते हैं उससे क्योंकि उसका काम है हवा को कंप्रेस करना। अब उसको एसी में लगा लो या वैसे ही साइकिल में हवा भरने के लिए लगा लो तो फ़र्क थोड़ी है। कंप्रेशर को थोड़ी पता है कि हवा जा रही कहाँ है, उसका काम है कंप्रेस करना, और एक कंप्लीट मशीन है वो अपने आप में। तो समझ लो कंपोनेंट को, कंपोनेंट जो है वो किसी बड़ी मशीन का पार्ट है लेकिन अपने आप में वो एक कंप्लीट मशीन है। जैसे ये मॉनिटर है, मैंने कहा कि ये कंपोनेंट है कंप्यूटर का, तो ये मॉनिटर मैं किसी दूसरे सीपीयू से भी लगा सकता हूँ, ख़राब हो जाएगा इसको हटा दूंगा एक दूसरा लगा दूंगा, सही हो गया। इसी तरह माउस है, अगर वो माउस ऐसा तो नहीं है ना कि इसी में ही लगेगा, वो किसी दूसरे में भी लग जाता। तो इंटरचेंजेबल होता है कंपोनेंट का सबसे बड़ा जो पहचान है कंपोनेंट, हम उस चीज़ को कहते हैं क्योंकि वो फुली फंक्शनल मशीन है, वो इंटरचेंजेबल होता है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो एक कंपोनेंट है, बैटरी ख़राब होती है अब उसको निकालते हैं दूसरा लगा देते हैं। अब तो खैर वो फिक्स वाली आ गई है, पहले वो अलग से जो होती थी, अगर वो टाइम किसी को याद हो कि वो पीछे का ढक्कन खोलते थे तो बैटरी निकल जाती थी। तो मैंने वो टाइम देखा है जब निकलने वाली बैटरी होती थी, तो मेरी जेब में एक एक्स्ट्रा बैटरी भी होती थी जब मैं बाहर निकलता था ना याद है कि कोई था उस टाइम पर या मैं ही इतना पुराना हूँ? अच्छा सभी थे तो मतलब इतनी पुरानी बात भी नहीं है, सही है। तो एक एक्स्ट्रा बैटरी जेब में पड़ी हुई होती थी हमारे, कि कभी ट्रैवल वगैरह पे जाते थे, क्योंकि उस वक्त पावर बैंक भी बड़े रेयर होते थे, पावर बैंक नहीं थे उस वक्त। हाँ वो छोटा सा एक पावर बैंक आता था वो तो वो पावर बैंक खुद चार्ज होने में 4 घंटे लगाता था और वो एक दफ़ा भी बैटरी पूरी फुल नहीं कर पाता था, तो ये लेवल था उस वक्त पावर बैंक्स का। तो ये समझ में आया कि कंपोनेंट क्या है। जैसे आपकी जो मोटरसाइकिल है उसकी जो हेडलाइट है वो एक कंपोनेंट है, वो एक फुली वो हेडलाइट आप किसी और पे भी लगा दें, ऐसे ही उसको बैटरी से कनेक्ट करके आप लगा दें चलेगा, सही है। तो कंपोनेंट क्या होता है? एक बड़ी मशीन का छोटा पार्ट, और अपने आप में वो फुली फंक्शनल होता है, वो इंटरचेंजेबल भी होता है, वो रीयूजेबल भी होता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कंप्रेशर की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो शेर शाह में ना कंटेनर भर भर के कंप्रेशर आए हुए होते हैं रीयूज होने के लिए, कि किसी जगह लगे थे वहाँ इस्तेमाल हो गए, अब दोबारा इस्तेमाल होंगे नहीं, ये कट के उसमें से कुछ निकलेगा, मतलब जो भी होगा। तो कंपोनेंट रीयूजेबल होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, कि एक हट जाएगा दूसरा लग जाएगा। अच्छा ये तो हम कर रहे थे बात, अभी प्रोग्रामिंग के सेंस में बात नहीं होगी, अभी सेंस में बात हो रही है रियल लाइफ के सेंस में, ठीक है? अभी रियल लाइफ है। अच्छा भाई देखो इंसानों के कंपोनेंट होते हैं बताओ, दिल होता है, सारे कंपोनेंट है, ठीक है? दिल अपने आप में पूरी मशीन है, फेफड़े अपने आप में पूरी मशीन है, ठीक है? फेफड़े में वो जो ब्रांचीज ब्रांची की ब्रांचेज होती हैं जो, वो उसका एक फंक्शन है पूरा अपना, ठीक है? तो इंसान के अंदर भी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इंसान की आँखें जो है एक कंपोनेंट है। अच्छा अभी कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो इंटरचेंजेबल हो गए क्योंकि इंसानी कंपोनेंट का मसला ये है कि किसी दूसरे इंसान से ही निकलेगा, ये अलग से नहीं बन सकता, तो इसलिए इंटरचेंजेबल होने के बावजूद भी बड़े कीमती हैं, ठीक है? जैसे दिल अब ट्रांसप्लांट होना शुरू हो गया, ठीक है? पहला हार्ट इन्होंने ट्रांसप्लांट कर लिया, गुर्दे तो बहुत ज़माने से ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, तो चेंज हो जाते हैं, ठीक है? लोग गुर्दे बेच के आईफोन वगैरह भी खरीद रहे हैं, इस तरह की रिपोर्टें आई हैं तो ये इंसान के भी कंपोनेंट्स हैं सारे, ये फुली फंक्शनल पार्ट्स हैं जो एक बंदे से निकाल के दूसरे में लगाए जा सकते हैं। अच्छा तो इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन है जो इससे बनेगी रिएक्ट से। रिएक्ट से क्या बनेगा? इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स, मेड अप ऑफ
कंपोनेंट्स, यानी जो एक एप्लीकेशन बनेगी उसमें कंपोनेंट्स होंगे डिफरेंट, उससे मिलके वो एप्लीकेशन बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपोनेंट रीयूजेबल होंगे, किसी दूसरे में भी लग जाएंगे वो, तो इससे भी टाइम बचेगा वहाँ। ठीक है, अब वो कंपोनेंट कैसे रीयूजेबल होते हैं, क्या उससे हो रहा होता है फ़ायदा, वो अभी हम हेलो वर्ल्ड बनाएंगे ना, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी हमें। इफ़ यू आर फेमिलियर विथ HTML, यू कैन थिंक ऑफ कंपोनेंट्स एज अ फैंसी कस्टम टैग। अच्छा, वो जो कंपोनेंट है ना, उसका कुछ इशारा दे रहा है कि वो कंपोनेंट दिखने में है कैसा। कह रहे दिखने में आपको लगेगा कि HTML का एक एलिमेंट है, H1 ओपन है, H1 क्लोज है, दिखने में आपको लगेगा क्या है ये HTML का एक एलिमेंट है, ये टैग है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग ऐसे, और कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। अंदर उसकी वो कुछ मैकेनिज्म दूसरा है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल वो सेम, देखने में ना सेम HTML की तरह। अच्छा, दैट्स प्रीटी मच व्हाट दे आर। कह रहा बस यही है, बस इसके आगे और कुछ नहीं है, एक टैग की तरह एलिमेंट है बस वो HTML में। रीयूजेबल बिट्स ऑफ कॉन्टेंट एंड बिहेवियर दैट कैन बी पुट ऑन अ वेब पेज, और वो रीयूजेबल है, आप एक दफ़ा बनाते हैं उसको, मल्टीपल जगहों पे आप इस्तेमाल करते हैं, और उसका बिहेवियर भी आप उसमें डिसाइड कर देते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होगा, वो रीयूज होता रहता है। अच्छा, अब मज़ीद कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है कि कंपोनेंट अब और मज़ीद क्या है कंपोनेंट में। अ कंपोनेंट इज रिटन एज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जो कंपोनेंट होगा वो जो हम लिखेंगे, हम बनाएंगे ना, क्योंकि हम बनाएंगे फिर हम ही उसका रीयूज करेंगे, वो एक प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होगा। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन हम सब लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, फंक्शन के वो ES6 वाला एरो फंक्शन, फंक्शन रिटर्न वैल्यू, इनपुट आउटपुट सब हम देख चुके हैं, उससे हम छोटे मोटे वो भी बना चुके हैं एग्जांपल्स। एंड दिस इज रियल जावास्क्रिप्ट हियर, नॉट अ टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर रियल जावास्क्रिप्ट है, टेम्पलेटिंग इंजन वगैरह ये सब नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने टेम्पलेटिंग इंजन को देखा नहीं है तो हमें इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जो जैसे PHP में टेम्पलेट्स बना के भेजते हैं, EJS या JED इंजन होता है, ये उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, अगर किसी को थोड़ा बहुत पता हो। ठीक है, अगर अदरवाइज इसको इग्नोर हो। रिएक्ट सपोर्ट ए स्पेशल सिंटैक्स कॉल्ड JSX। JSX नाम का एक सिंटैक्स होता है जो बिल्कुल HTML की तरह होता है देखने में, विच लुक्स अ लॉट लाइक HTML, बिल्कुल HTML की तरह होता है देखने में, बट इट टर्न्स इन टू रियल जावास्क्रिप्ट कोड बाई कंपाइलर। वो जो बता रहा था ना कि कंपोनेंट क्या होगा, देखने में HTML होगा और हम उसको लिखेंगे भी HTML की तरह, लेकिन बिहाइंड द सीन ये क्या करेगा, रिएक्ट का कंपाइलर उसको रियल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा और उसको फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। सही है, तो कुछ इस तरह का चल रहा होगा पीछे, लेकिन वो हमें जस्ट ये बता रहा है, हमें पीछे जाके खुद कुछ नहीं करना, हम बस उसको एलिमेंट की तरह HTML के लगा देंगे, वो खुद ही चलता रहेगा पीछे। अ वेब पेज इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स लेड आउट इन नेस्टेड ट्री स्ट्रक्चर। अब ये तो हो गया कंपोनेंट, अब इस कंपोनेंट से मिलके क्या बनेगा, वेब पेज बनेगा, जो हमें अल्टीमेटली बनाना है, इंटरेक्टिव वेब पेजेस। तो अब जो वेब पेज है ना वो कंपोनेंट से मिलके बनेगा, और कंपोनेंट कैसे हुए होंगे, लेड आउट इन नेस्टेड ट्री स्ट्रक्चर। जैसे HTML हम लिखते हैं तो कौन से स्ट्रक्चर में लिखते हैं, ट्री स्ट्रक्चर में, एक HTML है, फिर बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर एक डिव है, ऐसे होता है ना एक ब्रांचेस की तरह। हम ये ट्री डॉम वाले लेक्चर में देख भी चुके हैं कि अगर इसको ट्री स्ट्रक्चर में हम ड्रॉ करें तो कैसा बनता है। तो ये भी जो है ना सिर्फ ये देखने में HTML की तरह है, बल्कि इसको बिल्कुल HTML की तरह ही लिखा जाता है और वो ट्री स्ट्रक्चर में बनता है। ठीक है कि भाई एक HTML का एलिमेंट है, उसमें एक हेड है, एक बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर चार डिव हैं, फिर हर डिव के अंदर दो दो पैराग्राफ हैं, मतलब इसी तरह है। जस्ट लाइक HTML एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स, रिएक्ट कंपोनेंट कैन कंटेन अदर कंपोनेंट्स। अब जैसे एक HTML मैंने लिखा पैराग्राफ, अब पैराग्राफ के अंदर मैं हेडिंग लगा सकता हूँ, एक इमेजेस लगा सकता हूँ, यानी एक एलिमेंट के अंदर एक दूसरा एलिमेंट हो सकता है। इसी तरह रिएक्ट के अंदर भी एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, तो तीन सिमिलैरिटीज़ बता दी इसमें, कि देखने में HTML की तरह, लिखने में HTML की तरह, ट्री स्ट्रक्चर में ही लिखा जाएगा HTML की तरह, और HTML की तरह ही एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। तो ये अब इसमें फिर पीछे कुछ बचा नहीं है, पूरा HTML ही। अच्छा,
बट दीज कंपोनेंट्स आर फंक्शंस. कह रहा अभी आखिरी जो एक डिफरेंट चीज़ है ना उसमें और इसमें वो एक ही है बस, कि दीज कंपोनेंट्स आर फंक्शंस. ठीक है, क्योंकि हमें तो चपकना है किसके साथ, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के साथ. ठीक है, उसको नहीं चपकना. फोर्स किया कम्युनिटी ने इनको, फोर्स करके इधर लेकर आए फंक्शनल कंपोनेंट्स की तरफ. जब ये शुरू में आई थी तो ये क्लास वाले तरीके से करते थे, पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था शुरू में इनका. वेल, लॉर्ड के बुद्ध घर हुआ है. रिमेंबर एंड दे कैन बी पास डेटा टू डिस्प्ले. अब चूंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन को इनपुट दिया जा सकता है, तो इसको भी इनपुट दिया जा सकता है. अच्छा, फंक्शन में क्या होता है कि भाई दो वैल्यू थी, दोनों को प्लस करके रिटर्न करेगा. तो इसमें बोल रहा है कि इसको जो आप देंगे ना तो वो उस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, वो उस वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा. ठीक है, और यही इसका रियूजेबल तरीका भी है कि भाई जैसे एक कंपोनेंट है उसको जो इनपुट मिलेगा वो डिस्प्ले कर देगा, दैट्स ऑल. तो रियूजेबिलिटी का फैक्टर भी इसका यही है. समझा, वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ रिएक्ट इज द आइडिया ऑफ वन वे डेटा फ्लो. अब ये वन वे डेटा फ्लो जो है ना, इसको समझने में लोगों का तेल निकल जाता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों का जो एंगुलर के बैकग्राउंड से आए हैं. क्योंकि एंगुलर में क्या होता है, टू वे डेटा बाइंडिंग होती है, टू वे डेटा फ्लो होता है. सही है, तो मेरा ख्याल है इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. आप में से कोई ऐसा है जो एंगुलर वगैरह के बैकग्राउंड से हो, जिसको टू वे डेटा बाइंडिंग का कुछ पता हो? आप हैं, आपके लिए मुश्किल है. बाकी सब बाई डिफ़ॉल्ट क्योंकि वन वे पढ़ेंगे तो ये शुरू सोचना ही शुरू करेंगे वन वे से, तो उनको मसला नहीं होगा. ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि ये चक्कर क्या है, ये टू वे डेटा फ्लो और वन वे डेटा फ्लो का चक्कर क्या है. देखो, जो आपका डेटा का फ्लो होता है ना, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी एप्लीकेशन के जो मेजर क्लासिफिकेशन है उसकी, वो तीन है. एक होता है मॉडल, एक होता है व्यू, एक होता है कंट्रोलर. ठीक है, ये .NET वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट ने ये टर्म डिवाइस की थी, MVC. हाँ, ये टर्म उन्होंने डिवाइस की थी, लेकिन ये उससे पहले भी था ये, और उसके बाद अभी भी है, सब एप्लीकेशन में होता है ये असल में. ठीक है, मॉडल होता है, व्यू होता है, और कंट्रोलर होता है. मॉडल क्या होता है, डेटाबेस आपका. ठीक है, जहाँ पे डेटा सेव है, असल डेटा मॉडल में होता है, सेव होता है. ठीक है, या कहीं भी डेटा स्टोर हो रहा है उसको मॉडल बोलते हैं. अच्छा, एक होता है व्यू, जहाँ पे वो डेटा स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है ना, वो व्यू होता है. और बीच में उसके कहीं ना कोई फंक्शन होता है, कोई कंट्रोलर होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो डिसाइड करती है कि कौन सा डेटा मॉडल से उठा के और स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है. जैसे वेदर ऐप की अगर हम बात करें, तो डेटाबेस में जो वेदर की ऐप है, उसका जो डेटाबेस है, उसमें तो दुनिया की हर सिटी का डेटा पड़ा हुआ है ना, दुनिया की हर सिटी का टेम्परेचर पड़ा हुआ है. और एक मेरे पास व्यू है, उस पर मुझे दिखाना है कराची का टेम्परेचर. तो बीच में कोई कंट्रोलर होता है हमारा, जो डिसाइड करता है कि कौन से वाले का डेटा वैल्यू उठाना है. तो हम करते क्या है, व्यू के ऊपर यूज़र लिखता है एक नाम और सबमिट का बटन दबाता है. वो नाम उठ के आता है बीच में कंट्रोलर में. कंट्रोलर हमारा इस केस में क्या था, जावास्क्रिप्ट, जो अभी तक हमने ऐप बनाई है. उस जावास्क्रिप्ट में आता है, वो जावास्क्रिप्ट हमारा कंट्रोलर होता है, वो डिसाइड करता है कि अब डेटाबेस से लाना क्या है. तो हम API कॉल करते हैं, डेटाबेस से एक स्पेसिफिक डेटा उठ के आता है और उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देते हैं. तो ये मॉडल, व्यू और कंट्रोलर क्लियर हुआ कि क्या चीज़ है ये. तो ये टर्म डिवाइस की है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, ये इससे पहले भी इसी तरह होता था, उसके बाद भी इसी तरह होता है. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे मार्केटिंग के चक्कर में ना बोला कि हम MVC फ्रेमवर्क सिखा रहे हैं. अबे तो सारे ही फ्रेमवर्क MVC होते हैं भाई. सही है, सारे ही फ्रेमवर्क MVC होते हैं. कुछ है शायद एक दो जो थोड़ा इससे इधर उधर है, लेकिन ज़्यादातर यही तरीका है काम करने का. तो हम जो अभी तक जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी है, वो इसी तरीके पर पढ़ी है, MVC तरीके पर, MVC फ्रेमवर्क पर पढ़ी है. अच्छा, अब चक्कर क्या है, हमारे पास जो है ना डेटा का जो फ्लो है, वो डेटा का फ्लो है वन वे या टू वे. अच्छा, वन वे का मतलब ये है कि यूज़र जब यहाँ पे लिखेगा ना व्यू के ऊपर, जब यूज़र इनपुट दे रहा होगा, तो वो कंट्रोलर को स्किप करके ना डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं जा सकता. ये पॉसिबल नहीं है हमारे अभी तक जो हमने काम किया है.
उसमें क्या ये हो सकता है कि फ्रंट एंड पे बंदे ने लिखा और वो डायरेक्ट डेटाबेस में चला गया, बीच वाले कंट्रोलर को स्किप करके चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो रिएक्ट में भी ऐसा ही है, इसको हम कहते हैं वन वे डेटा फ्लो। जो व्यू होगा ना हमारा, व्यू से डेटा जो है मेरा वो डायरेक्ट मॉडल पे नहीं जा सकता, कंट्रोलर डिसाइड करेगा बीच में वो बैठा हुआ है। कंट्रोलर से मैं कोई भी फंक्शन है, सबमिट का फंक्शन होता है ना, कि सबमिट का जो बटन पे क्लिक करते हैं बीच में फंक्शन होता है ना, वो डिसाइड करता है कि को क्या चीज़ एपीआई में रख के भेजनी है। मतलब लिखा तो मैंने व्यू पे, सिटी का नाम कराची तो मैंने व्यू पे लिख दिया, बटन दबाऊंगा ना जब मैं, तो वो व्यू से डायरेक्ट उठ के एपीआई पे थोड़ी चला जाता है, फंक्शन में आता है। वो फंक्शन डिसाइड करता है कि अच्छा ये वेरिएबल फला जगह से उठाओ, इसको एपीआई के बीच में रखो, इसको भेजो यहाँ से। खुद नहीं जाता, बाईपास नहीं कर सकता। कोई तरीका ऐसा नहीं है अभी तक जो हमने चीज़ पढ़ी है उसमें, कोई तरीका ऐसा नहीं है कि व्यू पे लिखा और डायरेक्ट डेटाबेस में चला गया हो, या व्यू पे बगैर लिखे डेटाबेस से डायरेक्ट आ गया। बीच में कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल है डेटा आने के लिए भी और डेटा को जाने के लिए भी। सही है। अच्छा, तो अब इसको ज़रा ड्राइंग ऐप हम बना लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझाया ना मॉडल व्यू कंट्रोलर बिगर पिक्चर में। अब एक इसकी छोटी पिक्चर भी, थोड़ा जूम इन करेंगे ना हम, तो एक और एमवीसी निकलता है अंदर से, एमवीसी एक और निकलता है अंदर से। वेल, इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस करके आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, दो बातें करूँगा ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। अच्छा, हमारे पास जो है ना, ये हमारा व्यू है, ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि ये व्यू हमारा कंट्रोलर से कनेक्टेड होता है, सही है, और ये है हमारा मॉडल। ये है हमारा मॉडल, और मॉडल में जो कुछ होता है वो डायरेक्ट यूआई से कनेक्टेड होता है। ये वन वे डेटा फ्लो, ये रिवर्स नहीं चल सकता, एंगुलर में नहीं, रिवर्स भी चल जाता है। ये इसी तरह ही घूमेगा कि यूआई पे बंदे ने जो लिखा, सही है, वो आएगा कंट्रोलर में, और कंट्रोलर से वो जाएगा मॉडल में, और मॉडल से वो डायरेक्ट फिर यूआई पे डिस्प्ले होगा। ये इसी तरह घूमेगा, सही है, अपोजिट नहीं घूम सकता। ये नहीं हो सकता कि बंदे ने यूआई पे कुछ लिखा और वो डायरेक्ट कहाँ चला जाए। अच्छा, मॉडल जो है ना, इस केस में हमारे पास जो मॉडल है वो वेरिएबल को भी कह सकते हैं, क्योंकि टेम्प्रोरी स्टोरेज जो है, टेम्प्रोरी डेटाबेस जो है, वो तो वेरिएबल होता है हमारा, वो तो वेरिएबल ही है। लेकिन एक्चुअल डेटाबेस की अगर बात करें तो वो भी मॉडल ही है। लेकिन बाय द वे, इस केस में जो बात हो रही है ना वन वे डेटा फ्लो की, इसमें मॉडल ना वेरिएबल को कहा जा रहा है, क्योंकि टेम्प्रोरी स्टोरेज तो वही है ना, जो हम फॉरन जब लिखते हैं तो वही जाता है वो। अच्छा, HTML में ये चीज़ तो करते ही नहीं है, इसकी हम कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर HTML में ना प्लेन जावास्क्रिप्ट की ऐप में ये करने की कोशिश करें हम कि रियल टाइम के लिखे और वो दिखे वहाँ पे फॉरन, ऑन चेंज वाली जो चीज़ है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इस तरह करते ही नहीं है आमतौर पर। ये इसके लिए लाइब्रेरी वाले लेवल पे आके ये काम करते हैं, उससे पहले नहीं करते। अच्छा, एंगुलर में और दूसरे जो टू वे डेटा बाइंडिंग वाले फ्रेमवर्क है ना, उसमें क्या होता है कि आप जब यहाँ लिखते हैं ना तो रियल टाइम में वेरिएबल में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। रिएक्ट में ये चीज़ नहीं हो सकती, ना वो अलाउ करते हैं, ना हमें उसकी ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल यही बंद कर देते हैं, इससे पहले कि कन्फ्यूजन बढ़े। तो वन वे डेटा फ्लो ना, जो लोग पहली दफ़ा ये पढ़ रहे हैं रिएक्ट, इससे पहले कोई फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा, उनको टू वे डेटा बाइंडिंग के शशका ही नहीं पता, तो उनको ज़रूरत भी फील नहीं होती। जिन्होंने एक बार वो पढ़ लिया है, जैसा कि मैं टू वे डेटा बाइंडिंग वाले फ्रेमवर्क्स पढ़ चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, तो मुझे समटाइम समझ में नहीं आता कि यार ये वन वे में ये होगा कैसे काम, लेकिन वो दो मिनट में समझ में आ भी जाता है। थोड़ा सा सोचो ना और से, तो समझ आ भी जाता है, सही है, इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसका वन वे डेटा फ्लो का फ़ायदा क्या है जी? Thank you.
तुम्हारी मैं बात समझाई नहीं, दोबारा रिपीट करो अपनी बात। नहीं, वो जो वापस डिस्प्ले कराएगा ना वो कंट्रोलर ही करवाएगा, कंट्रोलर ही व्यू को भी अपडेट करेगा। नहीं तुम समझे नहीं असल में बात। देखो अभी मैं उसको वापस नहीं खोल रहा, लेकिन देखो असल में मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी यूआई को ना डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ मॉडल से। मॉडल और यूआई डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो कुछ मॉडल में होगा वो रियल टाइम में यूआई पे दिख रहा होगा। सही है, वो दिख रहा होगा रियल टाइम में। अब तुमने ये सवाल किया कि उसी यूआई के ऊपर एक फॉर्म लगा हुआ है जिसके ज़रिए मैं डेटा को चेंज करता हूँ, तो डेटा को जब मैं चेंज करता हूँ तो वो कंट्रोलर के थ्रू चेंज होता है उस वेरिएबल में। अब कंट्रोलर उसको वैलिडेशन वगैरह करके उसने चेंज कर दिया, तो जैसे ही वो चेंज होगा ना स्क्रीन पे वो रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा। तो ये ऐसे ही चलेगा साइट के लिए। सही है, समझ रहे हो बात। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि स्क्रीन पे कुछ लिखा और वो डायरेक्ट मॉडल में आ गया, कंट्रोलर से होकर आएगा। लेकिन अपडेट कंट्रोलर से होके नहीं जाएगा, अपडेट वो डायरेक्ट होगा। अच्छा, वो डायरेक्ट जो अपडेट होगा ना वो कनेक्शन भी मैंने कंट्रोलर में एक बार बताना पड़ेगा मुझे कि यार ये डायरेक्ट कनेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, तो ये साइकिल इस तरह घूमेगा। तो ये सबसे सही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा, वन वे डेटा, टू वे डेटा फ्लो को ख़त्म क्यों किया गया? टू वे डेटा फ्लो में ना वो लड़ जाते थे आपस में, डेटा की रेस लग जाती थी उसके अंदर ना, कि मिसाल के तौर पे उसके अंदर एक चलाना पड़ता था हमें इवेंट लूप, वो हर थोड़ी देर में चेक करता था और फिर उसको अपडेट करता था। इसमें ऐसा नहीं होता, और उस इवेंट लूप की वजह से ना वो स्लो हो जाता था, बड़ी एप्लीकेशन में स्लो डाउन हो जाता था। रिएक्ट के फास्ट होने का वजह यही है कि इसमें टू वे डेटा फ्लो को ख़त्म कर दिया उन्होंने, वन वे डेटा फ्लो होता है। वन वे डेटा फ्लो होने की वजह से जो लूप नहीं चलता था, लूप नहीं चलता, वो इवेंट्स पे काम करता है कि जब वहाँ से क्लिक होगा तो इधर अपडेट होगा। समझ रहे हो बात। नहीं, वो तो अलग चीज़ है, वो भी वन वे उसको कहते हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं है। ये MVC वाले जो केस में ना जो इवेंट लूप चलता है, तो टू वे डेटा बाइंडिंग ये होता है कि व्यू पे चेंज करेंगे तो मॉडल चेंज होगा, मॉडल को चेंज करेंगे तो व्यू भी डायरेक्ट चेंज होगा, दोनों रियल टाइम में कनेक्टेड हैं आपस में। समझ रहे हो, उसमें ये होता था कि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख रहा हूँ ना मैं, तो रियल टाइम में वो वेरिएबल में चेंज हो जाता था और वो रियल टाइम में स्क्रीन पे दिख भी जाता था, कंट्रोलर बीच में होता ही नहीं था। अब ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है, एंगुलर में तो अभी भी हो रही है, एंगुलर में तो अभी भी हो रही है। वेल, एंगुलर में भी उन्होंने जो नया वर्जन लाया ना उसमें वो डिस्करेज करते हैं कि टू वे डेटा बाइंडिंग आप ना करें। ठीक है, और किसी हद तक उन्होंने इस चीज़ को मसले को हल कर लिया। नहीं, हो इसमें सब जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हो सब जाएगा इसमें। वो असल में चक्कर ये हुआ था, वो एंगुलर का जो फ्रेमवर्क है ना वो गूगल ने खुद नहीं बनाया था, वो बनाया था लड़कों ने। इनके पास कोई बच्चे थे, काम करते थे, वो बच्चे क्या थे, वो कोई अंकल वंकल थे, तो वो घर जाके ना ऐसे शाम को बैठ के कुछ कोडिंग करते थे अपने मज़े के लिए। तो फिर उन्होंने ना किसी को पता चला कि अच्छा यार ये साहब जो है ना ये तो एक फ्रेमवर्क लिख रहे हैं यूआई का और इस तरह, तो बात फैल गई डिपार्टमेंट में। तो गूगल ने बोला कि भाई आपको अगर मज़ा आ रहा है इतना वो लिखने में तो एक काम करो वही लिखो, फिर पैसे सैलरी हमसे लेते रहो वो लिखते रहो और वो हमें भेज भी दो, गूगल को वो भेज दो। तो जब तक वो लॉन्च ना कर चुके थे शायद, तो फिर गूगल ने उसको अपना नाम दे दिया और सब कुछ कर दिया, उसको फंडिंग भी कर दी थोड़ी। फिर वो मतलब वो साहब भी उसके कोई शेयर होल्डर ही हैं वो, जो भी हैं बारह। अब वो जो साहब थे ना वो शाम को बैठ के कोडिंग करते थे, मतलब उनके दिमाग का जो सारा खन्नास था ना वो उसने उसमें डाल दिया। ये अच्छा, गूगल को लगा, अच्छा सेलिंग पॉइंट उसका ये था कि रियल टाइम हो रहा है सब कुछ, सेलिंग पॉइंट ये था। तो वेल, उन्होंने तो खैर अपने हिसाब से बहुत अच्छा ही किया होगा, बेस्ट हर बंदा क्योंकि अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। लेकिन असल में मसला ये था कि उसको बड़ी एप्लीकेशंस बनाने, यानी उस पर बड़ी एप्लीकेशंस बनेंगी ऐसा जहन में रख के उसको डिज़ाइन नहीं किया गया था।
वो तो शाम को लिखते थे अपने मजे के लिए लिखते थे, अब वो उनको अपॉर्चुनिटी थी कि भाई गूगल इसको फंड कर रहा है सब कुछ, तो उन्होंने मना भी नहीं किया, क्यों मना करेगा भाई, मैं तो नहीं करूँगा वहाँ, तो उन्होंने बोला करो लॉन्च करो। अब बड़ी कंपनीज ने जब देखा ना कि यार गूगल एक फ्रेमवर्क को बैक कर रहा है, तो बड़ी कंपनीज कूद गई, उन्होंने बोला यार खैर हो गई, गूगल की प्रोडक्ट है। हालांकि उन्होंने कभी छुपाया नहीं है ये बात कि ये अंकल खुद अपने लिए बना रहे थे, शाम को बैठ के घर पे कोडिंग करते थे, उन्होंने कभी ये बात छुपाई नहीं है, वो हमेशा से पब्लिक है ये बात। तो वो कूद गए, अब उन्होंने जब बड़ी एप्लीकेशंस बनाई ना, तो फिर वो स्लो डाउन हो गया और मसले करने लग गया। तो फिर कॉरपोरेट्स जो होते हैं, जाहिर है जो पैसे दे के ये चीज़ें कर रहे होते हैं, गूगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनका सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो उन्होंने क्लेम किया गया ये तो ठीक करो इसको। वो उन्होंने फिर वो कश्ती में सुराख में ना वो टेप लगाना शुरू किया है करके, और टेप लगाया 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 लगाया, वो आखिर में उनको समझ में आ गया कि इतने सुराख हैं ना इसके अंदर के, जितना भी टेप लगा लो ये मसला हल नहीं होने वाला। तो फिर उन्होंने बोला कि यार अब सही है, कोई मसला नहीं है, हम इसको फ्रॉम स्क्रैच दोबारा लिखेंगे शुरू से, ये फ्रेमवर्क ना हम शुरू से दोबारा लिखेंगे, और जितने मसले हैं ना हम इस बार इसको बड़ी एप्लीकेशन बनाने के हिसाब से ना जहन में रख के इसको डिज़ाइन करेंगे अब की बार। तो एंगुलर 2 के नाम से उन्होंने बोला गया उसको लॉन्च करेंगे अगले साल, एक साल सब लोग आप रुक जाओ, अगले साल, अगले साल नहीं किया, अगले साल उन्होंने बोला है RC5, बोला गया यार RC5 है रिलीज कैंडिडेट 5, ये अभी रिलीज़ नहीं हुआ लेकिन यही रिलीज़ होगा। फिर वो RC5 अगले साल जो है वो RC10 वैन बन गया, RC12 बन गया रिलीज़ कैंडिडेट 12, रिलीज़ जब भी नहीं हुआ। तो तीसरे साल सब लोगों की हो गई बस, और रिएक्ट वालों ने कहा कि भाई ये लो हम देते हैं तुम्हें तुम्हारा सॉल्यूशन। बहरहाल वो रिएक्ट तो चल रही है, साथ साथ एंगुलर भी लॉन्च हो गई है वो वाली, वो भी कर रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन उसका मार्केट शेयर अब बहुत कम रह गया है और लोगों का एतमाद उड़ गया है गूगल से इस चीज़ को लेकर कि यार हम दोबारा इस पर एप्लीकेशन बनाएं फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो ये हमें लटका के ना भाग जाएंगे, कहेंगे बात हो रहा है आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो चुकी है इस वक्त एंगुलर वालों की, ठीक है। अब कुछ कंपनीज अभी भी उन पर ट्रस्ट कर रही हैं, नॉट श्योर वाई, लेकिन उनका रेपुटेशन बहुत बिगड़ चुका है मार्केट में। अच्छा, तो ये वन वे डेटा फ्लो का ना ये फ़ायदा है कि इसमें इवेंट लूप नहीं होता, कोई सेट टाइम आउट वाला लूप नहीं चल रहा होता है इसके अंदर, और ये इवेंट्स पे काम करता है। अच्छा, एंड दिस वाज अ बिग पार्ट ऑफ सेट रिएक्ट अपार्ट व्हेन इट फर्स्ट केम इन 2013। अच्छा, 2013 में पहली दफ़ा ये पब्लिक हुआ, मैं 2016 बोल रहा था, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, 2013 में ये पब्लिक हुआ पहली बार। अच्छा, दीज डेज लॉट्स ऑफ अदर लाइब्रेरीज लाइक व्यू और एंगुलर का नाम इन्होंने खास तौर पे यहाँ लिखा है, हैव अडॉप्टेड वन वे डेटा फ्लो पैटर्न 2, के बाद में जब इन्होंने कर दिया ना कि भाई वन वे से सारे काम होंगे, तो उन्होंने भी ऑप्शन अपने पास दे दिए कि आप वन वे से करो, क्योंकि वन वे में एफिशिएंसी नजर आई लोगों को। इन वन वे डेटा फ्लो मॉडल, अच्छा मॉडल का मतलब डेटा, डेटा ओनली एवर पास डाउन टू द ट्री, ये जो आप बात कर रहे थे ना कि सिर्फ ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ये वो वाली बात भी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है कि कंपोनेंट्स में पास होगा, कंपोनेंट्स से वापस पैरेंट में पास नहीं होगा, जस्ट लाइक वाटरफॉल, ठीक हो गया जी। अच्छा, रिएक्ट इज ग्रेट वे ऑफ बिल्डिंग इंटरैक्टिव यूआई एंड इट्स वेरी पॉपुलर राइट नाउ एंड हैज बीन फॉर अ फ्यू ईयर्स, कह रहा है रिएक्ट अभी भी पॉपुलर है, पिछले कुछ सालों से बहुत पॉपुलर है, अब ये कन्वेंस कर रहा है कि इसको सीखने का क्या फायदा है। इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट इन टू अ करियर एज अ फ्रंट एंड डिवेलपर, रिएक्ट इज एक्सेलेंट लाइब्रेरी टू लर्न, रिएक्ट डिवेलपर्स आर हाई इन डिमांड। सही है जी, रिएक्ट भी बनती है वेब एप्लीकेशन, और कौन सा फ्रेमवर्क है बताओ। देखो मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं 3-4 यूआई के फ्रेमवर्क पे काम कर चुका हूं, तो अगर कोई नया यूआई का फ्रेमवर्क आता है ना, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मेरे लिए तो नहीं है, तो क्योंकि कितना चेंज कर लेंगे भाई, क्या चेंज कर लेंगे, क्या ही चेंज कर लेंगे, मतलब HTML है, इमेजिन करो HTML ख़त्म हो गई, HTML दूसरी आ गई, तो क्या ही चेंज कर लेंगे HTML, कुछ नए टैग डाल देंगे, कुछ रिमूव कर देंगे, यही करेंगे ना, और क्या करेंगे। JavaScript में ES6 आई ना, ES6 में क्या ही कर लिया उन्होंने,
फंक्शन का सिंटैक्स ही चेंज किया ना सर, और क्या किया, तो क्या क्या बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट तो नहीं कर सकते ना, ये पॉसिबल नहीं है। वो यही चलेगा ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा जाहिर है अपडेट तो होगा वक्त के साथ साथ, नए हुक्स ऐड होंगे, नई चीज़ें ऐड होंगी इसमें, कुछ पुरानी रिमूव हो जाएंगी। ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही नया कर दिया, जैसे अब व्यू जे एस है, व्यू जे एस में और रिएक्ट में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। रिएक्ट के ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट अब दूसरे फ्रेमवर्क बनना शुरू हो गए, जैसे कि नेक्स्ट जे एस, नेक्स्ट जे एस सबसे फेमस है इस वक्त, वो रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है, उसके नीचे रिएक्ट चलती है, ठीक है। तो एक है गैट्सबी, गैट्सबी रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट, उसके नीचे रिएक्ट चलती है, मतलब ऊपर का मतलब है कोड आप लिखते हो गैट्सबी के कोड में और नीचे वो रिएक्ट खुद जनरेट करते हो, ये मतलब हाई लेवल गैट्सबी में ये ड्रैग ड्रॉप वाला चक्कर है वो, सही है। नेक्स्ट जे एस जो है, नेक्स्ट जे एस का ड्रैग ड्रॉप तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जे एस में भी बने बनाए कंपोनेंट्स हैं उनके, और वो रिएक्ट पे बने हुए कंपोनेंट हैं, आप बस उठा के प्लेस करते हो। तो ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट भी अब बहुत कुछ बन चुका है, रिएक्ट का जो जो इको सिस्टम है रिएक्ट का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस वक्त। व्हाट डज इट मीन बाई इको सिस्टम, हाँ नात वाला वो बना हुआ थोड़ा हेलो हेलो यार इको तो सही है, हेलो 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 अच्छा अच्छा आवाज हाँ चलो बताओ भाई, व्हाट डज इट मीन बाय इकोसिस्टम, यार क्लास में बहुत गर्मी हो रही है और मेरा है एक चल रहा है दूसरा बंद हुआ है एसी ना, हाँ यार मेरा फैन मैं ऑन कर लेता हूँ, जब टेम्परेचर वो नहीं हो ना थोड़ा मज़े का नहीं हो तो फिर क्रिएटिविटी बड़ी मुतासिर होती है उससे क्रिएटिविटी माहौलियाती निज़ाम इकोसिस्टम, व्हाट डज इट मीन बाय इकोसिस्टम। भाइयों अपना अपना ओपिनियन दो, गूगल करो, बताओ क्या समझ आ रहा है, व्हाट डज इट मीन बाय इकोसिस्टम। अच्छा भाइयों थोड़ी सी खामोशी, पीछे से कुछ कह रहे हैं मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही जी दोस्त, मुझे समझ नहीं आ रही। एक ही एनवायरनमेंट में दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो इको सिस्टम है, करीब करीब बताया उन्होंने वैसे काफ़ी। एक वर्ड असल में मैं सुनना चाह रहा हूँ वो, लेकिन इन्होंने नहीं बोला तो स्टिल वी हैव समथिंग दैट यू कैन टेल। डेवलपर्स के दरमियान इसकी क्या रेपुटेशन है, दैट इज कॉल्ड इको सिस्टम। मतलब पानी के अंदर मछली का इकोसिस्टम जरा बताओ कैसे है। पानी सेम एनवायरनमेंट है और दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रही है। ये काफी इसने करीब करीब बता दिया लेकिन वो वर्ड एक मैं सुनना चाह रहा हूँ, हाँ व्हाट डज इट मीन बाय इकोसिस्टम। गूगल करो ना, गूगल करना भी एक स्किल है भाई, गूगल कर लिया नहीं पता चल रहा। अच्छा चलो मैं बता दूँ, है माहौलियाती निज़ाम सही है वर्ड है, वो इकोसिस्टम की ट्रांसलेशन है, वो इकोसिस्टम की ना उर्दू ट्रांसलेशन है माहौलियाती निज़ाम, लेकिन व्हाट डज इट मीन बाय माहौलियाती निज़ाम, यही तो मेरा सवाल है। डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या
किस चीज़ को हम ये कहते हैं, मतलब एसी, अब एसी एक चीज़ है भाई, एसी एयर कंडीशनर, इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी कुछ ना कुछ हो गई, लेकिन व्हाट डज इट मीन भाई एसी? ठीक है भाई, एसी एक मशीन होती है जो गर्म हवा इनपुट लेती है, ठंडी हवा बाहर करती है, लोग इसको कमरे में लगाते हैं, कमरा ठंडा हो जाता है, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट डज इट मीन बाय एसी। अच्छा, इकोसिस्टम, चलो मैं समझाता हूँ क्या है। जैसे इन्होंने भी बताया पीछे, उन्होंने दोस्त ने भी बताया कि एक ही माहौल के अंदर दो लोग जब आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, इंट्रैक्शन नहीं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो कहलाता है इकोसिस्टम। कैसे भला? मिसाल के तौर पे इंसान का इकोसिस्टम समझ लेते हैं, इंसानों का। इंसान जिस इकोसिस्टम में रहता है, ये क्या है, हम क्या खाते हैं, गोश्त खाते हैं और सब्जी खाते हैं, सही है? अच्छा, और गोश्त हम खाते हैं बकरियों का या गाय का, वो क्या खाती हैं, घास। अच्छा, घास कैसे बनता है, ये घूम के वहीं आ जाएगा, इंसान पे आ जाएगा। घास बनता है खाद से, कार्बन से बनता है, कार्बन फुटप्रिंट प्रिंट है ना, सही है? तो ये घूम के वहीं आ जाता है, आ गया। मैं स्कूल में जो पढ़ाते हैं ना, ऐसा साइकिल होता है पूरा, मैं नहीं, नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाया मैंने तो। अच्छा, तो मैं यार असल में मेरे जहन में कोई अच्छी एग्जांपल नहीं आ रही अभी, इसलिए मैं ये स्कूलों वाली है बनी हुई है यार। बताओ क्या लिखा तुमने गूगल पे, इकोसिस्टम लिखेंगे तो इमेजेस में आ जाता है। अरे ये तो कोई और इकोसिस्टम, अच्छा मिला के लिखना होगा, इकोसिस्टम मिला के लिखना होगा। अच्छा अच्छा, ई सी ओ वाला इको है, राइट, कौन सी चील वाली, ये अच्छा चील, ये रहा, ये रहा चील, ये देख रहे हो, थैंक यू सो मच यार, रिलेटिवली अच्छी एग्जांपल है। अच्छा, तो घास उगी, घास को ग्रास हॉपर ने खाया, और ग्रास हॉपर को रैट ने खाया, और रैट को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को चील ने खा लिया, और चील ने दोबारा पॉटी की तो उससे दोबारा घास उग गई, यही होता है, सही है? क्योंकि जितने भी ये क्या कहते हैं, इनका जो फजला होता है वो असल में फर्टिलाइज़र होता है, जो गाय का जो फजला होता है वो भी फर्टिलाइज़र होता है, गोबर जिसको कहते हैं, फूड चेन है, लेकिन इकोसिस्टम असल में इसी को कहते हैं, ठीक है? तो पहले वाली एग्जांपल में भी यही बता रहा था, लेकिन कुछ ढंग की एग्जांपल नहीं थी वो। पहले वाली एग्जांपल में मैं ये बता रहा था कि एक बकरी है, क्या कहते हैं, बकरी को हम खा लेते हैं, फिर हम जो जाहिर है फजला हमारा निकलता है वो फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, और फर्टिलाइज़र से दोबारा घास पास उग जाती है। अच्छा हाँ, और बाय द वे ये जो हमारा अभी जी मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ये जो हमारा सेवरेज का सिस्टम है ना, ये हमारे इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है, पता है आपको क्यों? इसमें इकोसिस्टम को तबाह इस वजह से कर रही है क्योंकि जो ज़मीन के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो तादाद होती है ना, उससे ज़मीन की जरखेज़ी का डायरेक्ट ताल्लुक है। तो किसान उगाते हैं फसल एक ख़ास एरिया में हमारे मुल्क में, वहाँ से वो फसल उगती है, कटिंग होती है उसकी, वो ट्रैवल करके यहाँ आता है, यहाँ पे उसको कंज्यूम किया जाता है, तो यहाँ से जो फजला निकलता है ना, जो सॉलिड वेस्ट है, जो वो वहीं जाना चाहिए वापस जहाँ से ये फसल आई है, जब भी ये इकोसिस्टम बराबर रहेगा। लेकिन वो कहाँ जाता है, सेवरेज में, और सेवरेज से वो कहाँ जाता है, समुंदर में। तो जो चीज़ समुंदर में नहीं जानी चाहिए ना, वो समुंदर में जा रही है। ऑन अदर हैंड, जो हम पहले ज़माने में जो सेवरेज सिस्टम नहीं होता था, ज़मीन को खोद के उसमें बना देते थे वो एक गटर साइड टाइप का ऊपर, हाँ क्या था, खेतों वाला निज़ाम जो था वो सबसे बेस्ट है फॉर द इकोसिस्टम। अभी हेल्थ की बात नहीं हो रही, हेल्थ के लिए तो जाहिर है वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बहुत सारे केसेस में,
ठीक है, बहुत सारे केसेस में। फिर अब उसकी अलग बहस है कि वो कितना प्रॉब्लमेटिक है हेल्थ के लिए। तो ये बेस्ट था इकोसिस्टम के लिए कि क्योंकि ज़मीन से जो फसल उगती है ना जब, तो जाहिर है ज़मीन से वो कार्बन को कंज्यूम करता है। ऑर्गेनिक है ना, घास जो होती है या फ्रूट होता है वो ऑर्गेनिक होता है, तो उसमें कार्बन वगैरह ये सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं, फिर वो निकल जाता है। तो अगर यही वजह है कि जिनका इत्तफाक रहा हो खेत वगैरह की तरफ देखने का, तो उन्होंने ये देखा होगा कि एक ज़मीन पे जब फसल उगती है ना तो उसको एक दो महीने फिर छोड़ देते हैं, उस पर फ़ौरन फ़ौरन दूसरी फसल नहीं उगाते। अगर फ़ौरन दूसरी उगाएंगे ना तो कुछ भी नहीं निकलेगा, छोटे छोटे पौधे ही होंगे और वो मर जाएंगे दोबारा, क्योंकि ज़मीन की जो सारी जान है ना वो निकल चुकी होती है। अच्छा, फिर उसका हल क्या निकाला इन्होंने? हल उन्होंने ये निकाला कि अब फर्टिलाइज़र यहाँ से ना फर्टिलाइज़र वहाँ भेजते हैं दोबारा रिटर्न, और उससे वो ज़मीन में वापस इकोसिस्टम को मेंटेन किया गया कि ज़मीन को वो खाली छोड़ देते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र डाल के छोड़ देते हैं, फर्टिलाइज़र डाल के हल चला देते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं मिट्टी को फर्टिलाइज़र के साथ, तो वो दोबारा मिक्स हो जाती है, कार्बन वापस वहाँ पहुँच जाता है, फिर उस कार्बन से वो दोबारा उठता है और फिर यहाँ आता है। ठीक है, तो अच्छा, तो ये तो हो गया एक रियल लाइफ के अंदर व्हाट डज इट मीन बाय इकोसिस्टम इन रियल लाइफ, ये तो वो वाली बात हो गई। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर की इंडस्ट्री में व्हाट डज इट मीन बाय इकोसिस्टम? जैसे हम आईफोन की बात करें, आईफोन का इकोसिस्टम ना इस वक्त सबसे स्ट्रांग इकोसिस्टम है, इससे ज़्यादा स्ट्रांग इकोसिस्टम और किसी का भी नहीं है, एंड्रॉयड से ज़्यादा इकोसिस्टम इसका स्ट्रांग है। क्या है ये इकोसिस्टम? तीन लोग शामिल हैं इसके इकोसिस्टम में। नंबर एक, कंज्यूमर जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर दो, वो कंपनीज़ जो इसके सॉफ्टवेयर बना रही हैं, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर बना रही है जो आईफोन पे चलते हैं, जैसे बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारे लोग हैं, ये इसकी एप्स बना रहे हैं। और तीसरे हैं डेवलपर्स, मतलब फेसबुक ऐप बना रही है लेकिन बना तो कोई डेवलपर रहे ना, कैपिटल तो फेसबुक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, या और भी बहुत सारी हज़ारों कंपनीज हैं जो हम लोग तो और मेरे जैसे डेवलपर हैं। तो ये तीन लोग हैं, नंबर एक कंपनीज, नंबर दो कंज्यूमर, नंबर तीन डेवलपर। ये तीन लोग मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी ने फ़ोन लॉन्च किया, उसका ऐप स्टोर शुरू में तो खाली है ना, उसका ऐप स्टोर क्या है शुरू में? खाली है। अच्छा, खाली ऐप स्टोर वाला फ़ोन किसी को भी नहीं चाहिए। आईफोन में आप ऐप स्टोर के अलावा कहीं और से ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर। तो खाली ऐप स्टोर वाला फ़ोन तो किसी को नहीं चाहिए ना। एंड्रॉयड में तो फिर भी थर्ड पार्टी स्टोर अटैच हो जाते हैं। अच्छा, तो अब कंपनी ने, अब फ़ोन बनाने वाली कंपनी क्या करे? फ़ोन बनाने वाली कंपनी ने डिफरेंट कंपनीज़ में अपने बंदे भेजे। जब भी इनकी नई प्रोडक्ट आती है ना, कोई नया API आती है, तो पहले से 10 से 12 कंपनी होती है ना, वो उस API को यूज़ करके ऐप बना चुकी होती है, फिर वो फ़ोन मार्केट में आता है, यानी नया वर्जन जो आता है। जैसे इन्होंने अभी LiDAR सेंसर ऐड किया है अपने नए वाले फ़ोन में, तो LiDAR सेंसर ऐड करने से पहले ना कुछ कंपनीज़ को ऑन बोर्ड कर लिया था इन्होंने कि भाई जान आप बनाओगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, वो पहले से बना के उन्होंने कुछ ऐप्स छोड़ी हुई थी मार्केट में, ताकि LiDAR की कोई एक दो ऐप हो मार्केट में पहले से। अच्छा, तो कंपनी आ गई मार्केट में, कंपनी ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, लाखों में या करोड़ों में या हज़ारों में जितने में भी इन्वेस्ट कर दिया। अब वो कंपनी स्टेक होल्डर है किसमें? इस फ़ोन में स्टेक होल्डर है। अच्छा, रिटर्न में उसको क्या मिलता है? जो लोग वो फ़ोन ख़रीदेंगे वो उसके कस्टमर बनेंगे, उस फ़ोन के ज़रिए वो उस कंपनी के कस्टमर बनेंगे और उसको पैसे पे करेंगे। फेसबुक जो लोग यूज़ करते हैं आईफोन के ज़रिए करते हैं ना, या किसी और दूसरे फ़ोन के ज़रिए, तो फेसबुक स्टेक होल्डर है आईफोन में, दूसरी कंपनीज स्टेक होल्डर है आईफोन की। फिर आता है डेवलपर। अब जब कंपनीज ऐप बनवाएंगी ना, तो डेवलपर उस ऐप को बनाएगा, डेवलपर उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेगा, समझ रहे हो बात? अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, उसको सीखेगा, जैसे आप लोग बैठ के सीख रहे हैं यहाँ पे, तो इसी तरह आईफोन की ऐप बनाना सीखेगा, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, पैसे इन्वेस्ट करेगा, हज़ारों डॉलर के कोर्स हैं आईफोन के जो ऐप बनाते हैं लोग, तो ये भी अब स्टेक होल्डर बन गया है। अगर ये फ़ोन फेल होता है ना, वो कंपनी का भी पैसा डूबेगा, डेवलपर का भी पैसा डूबेगा जो उसने कोर्स सीखने में खर्च किया, टाइम पैसा एक ही बात है। ठीक है, और सबसे ये यूज़र ना बीच में खड़ा हुआ है, यूज़र बोलेगा कि मुझे फ़लाँ ऐप चाहिए, यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी, फ़लाँ ऐप मुझे इस स्टोर में चाहिए, मेरा दिल करता है। अच्छा, अब ये यूज़र की नीड को कौन समझेगा और कौन बताएगा ये एप्पल का काम है?
कि एप्पल यूज़र की नीड को समझे और कंपनी को लीड दे, डेवलपर को लीड दे कि आगे क्या होने वाला है। तो ये है इकोसिस्टम। अब इमेजिन करो इस इकोसिस्टम में से एक बंदा माइनस हो जाए, कौन बंदा? यूज़र। अगर आईफोन अभी 2 बिलियन एक्टिव यूज़र है आईफोन के, आईफोन बिकना बंद हो जाए, यूज़र 2 बिलियन से कम हो गए, 5-6 हज़ार बच जाए, यूज़र माइनस हो गया, कंपनी ऐप किसके लिए बनाएगी? जब कंपनी ऐप नहीं बनवाएगी तो डेवलपर क्या करेगा? फिर ख़त्म हो गया सब, एक चीज़ ख़त्म होगी सब ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अभी यूज़र को छोड़ देते हैं अपनी, यूज़र अपनी जगह, डेवलपर ख़त्म हो गए, लोगों ने आईफोन की ऐप बनानी छोड़ दी, उन्होंने बोला भाई बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है। तो जहाँ पे हज़ारों की तादाद में डेवलपर थे, 200-300 रह गए सिर्फ, तो कंपनी को ऐप बनवाना है वो कौन बनाएगा? अल्टीमेटली जब कंपनी अपनी ऐप टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाएगी, यूज़र भाग जाएगा, यूज़र बोलेगा यार ये कौन सा स्टोर है, इसमें तो अपडेट ही नहीं आती, इतने दिनों से मसला आया हुआ है, मैं बार बार रिपोर्ट करता हूँ उसको, सही करो, सही नहीं करने वाला है। तो डेवलपर ख़त्म हुए तो कंपनी भी गई, यूज़र भी गया। अच्छा फिर कंपनी की हम बात कर लेते हैं, अगर कंपनी माइनस हो जाए, अगर फेसबुक ट्विटर और ये बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आईफोन के लिए ऐप बनाना छोड़ दें तो अल्टीमेटली स्टोर खाली हो जाएगा उनका, यही होगा ना, नई ऐप्स उसमें होंगी नहीं। अच्छा जब कंपनीज ऐप बनवाना छोड़ेंगी तो डेवलपर भूखा मरेगा? भूखा तो नहीं मरेगा, वो कोई दूसरी टेक्नोलॉजी में मूव कर जाएगा, ख़त्म। डेवलपर मूव कर गया, कंपनी मूव कर गई, तो यूज़र क्या करेगा आखिर? यूज़र भी मूव कर जाएगा अल्टीमेटली। तो हमने ये देखा कि इकोसिस्टम के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर उसमें से कोई एक भी मूव कर गया ना तो पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो जाता है, पूरा सेटअप ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इकोसिस्टम। अच्छा इस इकोसिस्टम में हमने मेजर 3 प्लेयर्स की बात की है, लेकिन इसमें और भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, बीच में आगे पीछे और भी प्लेयर्स हैं इसके। अभी तो हमने क्योंकि कॉमन सेंस में बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने कॉमन मोटे मोटे 4 बातें की हैं कि भाई ये 3 कॉमन प्लेयर्स हैं, और हमने इसको सिमुलेट करके भी देखा कि अच्छा यार एक बंदा गायब हो रहा है तो दूसरा भी गायब हो जा रहा है। नोकिया के साथ एग्जैक्टली यही हुआ, नोकिया में ना ये हुआ कि भाई ये अपना हाँ फिर इनका एक वो होता था OVI स्टोर, एक इनका ऐप स्टोर होता था OVI स्टोर, तो फिर ये होने लगा। मेरे पास उस वक्त था एक सैम्बियन फोन था इनका, नोकिया वालों का 7610 था, पता नहीं N70 इस तरह का कुछ था। तो मैं जब भी OVI स्टोर में जाऊँ मुझे कोई ऐप ना मिले, मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी कि यार अच्छा ये वाली ऐप आ रही है YouTube, उस ज़माने में आई वॉज ब्लेस्ड के YouTube का पता था मुझे तो बंदे ने बोला यार ये ऐप आई हुई है, किसी बंदे ने बताया यार ये ऐप है। अब मैं वो ऐप एंड्रॉयड में मौजूद है लोगों के पास, क्योंकि एंड्रॉयड पर मैं मूव नहीं करना चाहता था उस वक्त, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे एंड्रॉयड पर जाना ही नहीं था, मैंने कहा ये क्या बकवास है, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता था सैम्बियन की ऐप्स और मेरे पास बहुत सारी ऐसी यूज़फुल ऐप्स थी, जैसे ओपेरा मिनी एक ऐप था, बड़ी यूज़फुल ऐप थी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती थी जो उस वक्त एंड्रॉयड में भी नहीं हो पाती थी। तो आई वॉज इन लव विद दैट ऑपरेटिंग सिस्टम सैम्बियन OS, और उनका स्टोर था उसमें बहुत सारी ऐप्स थी जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर इसको छोड़ के एंड्रॉयड पे मूव करूँगा तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं तो नहीं कर सकता। हाँ उन पे भी था, बहुत बड़ा इकोसिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन वो तबाह इसी तरह हुआ है कि एक पार्टिसिपेंट गायब हो गया और सब खत्म हो गया। वो बताता हूँ अभी कौन गायब हुआ। अच्छा तो मैं अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ यार एंड्रॉयड पे ये फला ऐप आई हुई है पीडीएफ रीडर उसमें नहीं था, मतलब जब मैंने चेक किया उस वक्त नहीं था एंड्रॉयड में वो पीडीएफ रीडर था। अच्छा पीडीएफ उस वक्त बिल्कुल नया फॉर्मेट था, पीडीएफ को कोई जानता भी नहीं था, पीडीएफ उसको बिल्कुल नया था, उस वक्त चलता था DOC फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो पीडीएफ नया नहीं आता, मुझे चाहिए पीडीएफ का रीडर, क्योंकि मैं जो बुक डाउनलोड कर रहा हूँ वो पीडीएफ में आ रही है नई वाली सारी, अब वो मेरे को मिल नहीं रहा। मैंने अल्टीमेटली फिर क्या किया, अच्छा फिर इस तरह और भी ऐप्स बहुत सारी वो अपडेट नहीं हो रही, नई ऐप नहीं आ रही, फिर वो पता नहीं कोई और भी इस तरह के मसले आना शुरू हो गए। मैंने बोला यार अब एंड्रॉयड पर मूव करना पड़ेगा, तो मैं एंड्रॉयड पर मूव कर लिया। तो यहाँ पर केस क्या हुआ कि कंपनीज़ ने उसकी ऐप बनाना छोड़ दी, जो सैम्बियन के स्टोर पे पड़ा हुआ था वो 2 साल पुराना वर्जन था, एंड्रॉयड पे लेटेस्ट वाला वर्जन था, मतलब ऐप बना रही है कंपनी लेकिन उधर पुश ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको अब उनको लगा होगा कि ये फेल है, ख़त्म है, कुछ पता नहीं क्या होगा, या कोई API में कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी होगी जिसकी वजह से वो नया चीज़ बन नहीं पा रही होगी।
तो कुछ ना कुछ ऐसा था हमारा, तो मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि उसका स्टोर जो है वो खाली होता जा रहा था, डेवलपर्स उसके या तो चले गए थे या तो कंपनीज वर नो मोर इंटरेस्टेड के मजीद उसके लिए ऐप्स बनाए, तो अल्टीमेटली यूज़र भी चला गया। ठीक है, तो ये एक इकोसिस्टम मैंने अपनी आंखों के सामने तबाह होता हुआ देखा है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर, अच्छा कहाँ गया भाई वो इकोसिस्टम का वर्ड जहाँ से हम शुरू हुए थे। मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया क्या है, मैं कहाँ पर था इस आर्टिकल में यार, मैं बात क्या कर रहा था मैं वो भूल गया इकोसिस्टम के चक्कर में। हाँ, मैं ये असल में तुम में से किसी ने सवाल पूछा था कि कल को कोई नया फ्रेमवर्क आ गया तो क्या होगा, इस पे मैंने कहा था कि ये रिएक्ट का जो इकोसिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग हो चुका है, बड़ा मजबूत हो चुका है ना, ये बात थी असल में जिस पे मैं इकोसिस्टम बनाना शुरू हुआ था। अच्छा, तो अब रिएक्ट के इकोसिस्टम में कौन कौन है, वो लोग जिन्होंने ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट चीज़ें बना ली हैं, वो बड़ी कंपनीज जिन्होंने अपनी ऐप रिएक्ट पे बना ली है। ज़ाहिर है ऐप बनती है एक दिन के लिए तो नहीं बनती ना, वो एक बार बन गई है वो अगले 20 साल तो चलेगी ना कम से कम भाई। उन्होंने मतलब अगर एक डेवलपर $300 घंटे लेता है US में एक डेवलपर, अब $300 घंटे में 10 बंदे बिठाए हुए उसने और 6 महीने में लगा के उसने पूरी ऐप कंप्लीट की है, फोटोशॉप जैसी कोई ऐप बनी हुई है, इस तरह की कोई ऐप, तो अब वो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि 2 साल बाद उसको वो चेंज कर दें, वो कहेंगे नहीं यार इसको कम से कम 10 साल तो चलाएंगे ना, मेंटेन करेंगे, कुछ बग आएगा फिक्स करेंगे, कुछ ना कुछ करके उसको 10 साल तो चलाएंगे ना। तो वो बड़ी कंपनीज़ जो लोग ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट मजीद फ्रेमवर्क, जैसे मटेरियल UI के नाम से एक फ्रेमवर्क है वो बाकायदा रिएक्ट के लिए बना हुआ है, वो फिर डेवलपर्स यानी कि आप और मैं, तो ये सारे पार्टनर्स हैं इसके इकोसिस्टम में, वो लाइब्रेरीज़ जो रिएक्ट के लिए स्पेशली लिखी गई है, तो बहुत सारी कंपनीज़ रिएक्ट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, सही है, और या तो रिएक्ट के डायरेक्ट कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज रिएक्ट की डायरेक्ट कंज्यूमर हैं या डायरेक्ट डिपेंडेंट हैं, तो ये सारे जो है ना इसके इकोसिस्टम के पार्टनर हैं, इसमें से कोई एक जब तक कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होगा ना ये इकोसिस्टम ख़त्म नहीं होगा, ये रहेगा। ठीक है जी, नहीं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेब 3.0, अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेब 2.0 बाय द वे, मैं ये अब ये तो आपने बिल्कुल सही बताया कि वेब 2.0 की डेफिनेशन ये है कि वेब 2.0 इंटरेक्टिव है, 1 नहीं था इंटरेक्टिव, ये इंटरेक्टिव है, तो 3 क्या है अभी, ये इसका जवाब ये कि किसी को भी नहीं पता कि 3 क्या है, लोग तुक्के लगा रहे हैं, जब ये रेवोल्यूशन जब आ रहा होता है ना उस वक्त पता नहीं चलता आपको, जब रेवोल्यूशन आके चला जाता है ना तो फिर आपको पता चलता है अच्छा ये रेवोल्यूशन इस चीज़ का था। वेब 3.0 कुछ लोग कह रहे हैं मेटावर्स का, कुछ लोग कह रहे हैं कि चैटबॉट का, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का और NFTs का, कुछ कह रहे हैं कि वो ये AR VR वगैरह का कह रहे हैं। नहीं, बनाया नहीं है ना किसी ने, वो तो ट्रेंड है, मार्केट उस तरफ मूव कर रही है भाई। वेब 2.0 किसने बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया, खुद ही बनती है, नए नए फ्रेमवर्क आते हैं, नई नई लाइब्रेरीज आती हैं, वो बन जाते हैं। अच्छा, मेरा ये मानना है, मेरा क्या मानना है, वेब 3 क्या होगा, वेब 3 जो है मेटावर्स होगा। आप अभी YouTube स्क्रीन पे देखते हैं, आप YouTube के अंदर होंगे, आप एक VR का हेडसेट लगाएंगे, आप YouTube के अंदर आ जाएंगे, सही है। जो पार्टिसिपेंट्स लिखा होता है ना कि 300 पीपल वॉचिंग दिस, वो 300 का क्राउड होगा, आप उसके बीच में खड़े हुए होंगे, सब लोग देख रहे होंगे और वो कुछ ऐसे जेस्चर दे रहे होंगे कि आई लाइक दिस वीडियो, ऐसे वाला। नहीं, मेटावर्स होगा, मेटावर्स के अंदर होंगे,
अब वो ऑगमेंटेड की सूरत में भी हो सकता है, वर्चुअल की सूरत में भी हो सकता है, किसी ना किसी भैया वेब के अंदर की सूरत, जैसे पबजी होता है, पबजी भी एक मेटावर्स है ना, उस सूरत में हो सकता है कि भैया आप ऐसा दिख रहा हो आपको अपना कैरेक्टर घूमता फिरता हुआ, ये भी हो सकता है। यूट्यूब उसके अंदर आ जाएंगे आप ना, और NFTs भी कुछ कुछ ना कुछ रोल होगा उसका, क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ रोल होगा। हाँ तो ये मेटावर्स होगा, उसका जो यूज़र इंटरफेस होगा वो वॉइस पे होगा कम्प्लीटली, ये तो मेरा बिलीव है कि कम्प्लीटली वॉइस पे होगा वो, ठीक है। अब क्योंकि मेटावर्स के अंदर आगे भी आप बटन दबा रहे हो, ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना यार, मेटावर्स के अंदर आ गया आप, पूरे आप कंप्यूटर के अंदर आ गया, अभी भी आपको बटन दबाना पड़ रहा है अगर अंदर जाके कहीं, या माउस से क्लिक करना पड़ रहा है, तो ये तो नॉनसेंस बात है। तो वॉइस पे होगा इसका UI, सूनर और लेटर ये होगा वॉइस पे, और वेब 3.0 में ही आता है वॉइस, ठीक है। अभी ये जया साहब ने शुरू किया है वेब 3.0 का कोर्स, उसमें पता नहीं उन्होंने चैट बॉट वॉइस एप्लीकेशन रखा ही नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, वो कोर्स मेरा अभी हमारे लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस बारे में। मैंने खुद भी वैसे उस कोर्स में बैठना था, क्योंकि जया साहब मेरे बड़े अच्छे टीचर हैं, मैंने उन्हीं से ही पढ़ा है। मैंने पहली दफ़ा जो वेब डेवलपमेंट पढ़ी है वो उन्हीं से ही पढ़ी है, सैलानी से ही पढ़ा है मैंने भी ये वेब डेवलपमेंट। तो मैंने असल में ब्लॉक चेन सीखनी है, मैं बड़े दिनों से लगा हूँ, तो मैंने भी ब्लॉकचेन सीखनी थी, मैंने कहा चलो बैठेंगे, बड़े दिन हो गए कहीं क्लास में बैठा नहीं हो ना, मैं तो मिस कर रहा हूँ थोड़ा वो स्टूडेंट्स के बीच में बैठने वाला, लेकिन मसला ये वो मेरे टाइम का कॉन्फ्लिक्ट हो गया कुछ, तो मैं नहीं जा सका। तो वेल फ्यूचरिस्टिक कोर्स है, अभी आप ये सोच के सीखोगे कि मुझे जॉब मिल जाएगी वेब 3.0 की, तो नहीं मिलेगी भाई, फ्यूचरिस्टिक कोर्स है, आज से 5 साल बाद बड़ी डिमांड होगी, लेकिन अभी कोई डिमांड नहीं है। नहीं कोलैप्स नहीं, उसमें भी रिएक्ट है, वेब 2.0 भी है, तो आपको 2.0 की चीज़ें भी सिखा रहे हैं सारी, वो इसकी जॉब मिलेगी आपको। वेब 3.0 की कौन सी जॉब है, वेब 3.0 तो डिफाइन हो रही है ना अभी, कि है क्या, ठीक है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि मेटावर्स होगा, उसका जो इंटरफेस होगा वो वॉइस पे होगा, बोल के आप करोगे सारी चीज़ें, और जो वीडियोज़ होंगी यूट्यूब की वो NFTs की सूरत में होंगी, ट्रांजेक्शन सारी क्रिप्टो करेंसी में होगी, और वो पूरी ऐप ब्लॉकचेन में लिखी हुई होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी वो, जिसमें देखने वाले को भी पैसे मिल रहे होंगे, अभी सिर्फ अपलोड करने वाले को मिलते हैं वैसे, कल को देखने वाले को भी पैसे मिलेंगे। यही तो आइडिया है ना 3.0 का, आइडिया मेन यही है कि स्टेक होल्डर बनाया जाए उन सब लोगों को जो अपलोड कर रहे हैं। अभी स्टेक होल्डर कौन है, सिर्फ क्रिएटर्स हैं, कंपनी है और क्रिएटर है, इकोसिस्टम मजबूत नहीं है इसका। हाँ यही होगा, नहीं फिर देखने में भी कुछ ऐसा होगा ना, मेहनत का कोई काम, नहीं वो बहुत कम होगा, कम होगा बहुत, लेकिन होगा। मेन आइडिया बाय द वे यही है कि कंज्यूमर जो है ना वेब का, उसको भी पैसे मिले, उसका भी कुछ बेनिफिट हो, वो भी स्टेक होल्डर हो। अभी कंज्यूमर स्टेक होल्डर नहीं है, इस वजह से फेक अकाउंट्स को नहीं रोक सकते आप। जब पैसे आ रहे होंगे ना तो बंदा फिर अकाउंट की डिटेल भी डालेगा प्रॉपर, ठीक है, उसका भी चेक एंड बैलेंस होगा कि कंज्यूमर कौन है। अभी कंज्यूमर एनोनिमस है, नोट किया होगा आप सब लोगों ने, ये बहुत बड़ा मसला है सब लोगों के लिए, फेसबुक और यूट्यूब के लिए ये इतना बड़ा मसला है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी मार्क ज़करबर्ग ऑलमोस्ट रो पड़ा था, मतलब रोया तो नहीं था, लेकिन उसका जुमला यही था कि वो दिल से उसके आंसू निकल रहे थे, कह रहे यार मैं आया था ये ऐसी ऐप बनाने के लोगों को कनेक्ट करे वो आपस में, अभी मेरे को किन चक्करों में फंसा दिया उन्होंने, कह रहे हैं कि वो फेक न्यूज़ आपके पे फैल रही है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप मिस यूज़ हो रहा है आपके प्लेटफॉर्म का, तो उसके लिए कह रहे हैं, मैं ये थोड़ी करने आया था यहाँ पर। वो अभी किसी पता नहीं कोई पॉडकास्ट था, उसके अंदर वो जो रोगन के पॉडकास्ट में ये बात की है उसने, तो ऑलमोस्ट उसकी जो ना मतलब लहजा उसका यही था कि यार मेरे को किन चक्करों में फंसा दिए, मैं ये करने थोड़ी आया था, मैं तो ऐसी ऐप बनाने आया था कि लोग कम्युनिकेट करें कनेक्ट करें, मेरे पे ये कह रहे हैं कि वो तूने इलेक्शन हरवा दिया, इलेक्शन जितवा दिया, उसको तेरे प्लेटफॉर्म पे ये हो गया वो हो गया, तुम क्या कर रहे हो सोए हुए हो, कह रहे मैं ये थोड़ी करने आया था। तो ये मसला है बहुत बड़ा, क्योंकि KYC करने पे अगर आ गया ना तो फेसबुक ही बंद हो जाएगा पूरा। सही है, मैं अपना दे दूंगा डेटा कि हाँ यार मैं फला जगह रहता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस चल रहा है फेसबुक पर, सब तो नहीं देंगे ना यार, एक घर में बैठी हुई खातून है, उनको शॉर्ट्स देखने होते हैं बस उधर यूट्यूब पे या फेसबुक पे वीडियोस देखनी होती हैं, ग्रुप से कोई इधर उधर की लगाई बुझाई हो गई कोई, बस यही है, वो क्यों दे डेटा, बोले बंद है तो बंद है, सही है, मैं व्हाट्सएप पर देख लूँगी, अब स्टेटस तो व्हाट्सएप पर भी आते हैं, तो KYC तो कर ही नहीं सकते ना। हाँ अगर ये उनको पता चले ना खाला को कि इससे अब जितनी देर देखेंगे उतने पैसे मिलेंगे, फिर देखो
वो बच्चा भेज के वेरीफाई करवाएंगी जाके। वेल अब ये तो वक्त डिसाइड करेगा। ये थ्योरी है, ये आइडिया है कि ऐसा होना चाहिए, आइडियल केस है। आइडियलिज्म कभी हो पाया आज तक ज़िंदगी में? नहीं हो पाया ना। लेकिन आइडिया यही है कि ये करना है। अब कैसे करना है सोच रहे हैं लोग, उसके लिए हुआ नहीं है अभी तक, होगा, क्या पता हो पाए या ना हो पाए, ये भी नहीं पता। आइडिया लेकिन यही है कि क्योंकि इस इकोसिस्टम के अंदर बड़ी कंपनीज तो हैं स्टेक होल्डर, जो जो ऐप जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब बड़ी कंपनीज हैं, स्टेक होल्डर हैं, ये वेब की स्टेक होल्डर हैं। वो कंज्यूमर जो इसके क्रिएटर भी हैं साथ साथ, जैसे यूट्यूब पर जो लोग वीडियो अपलोड करते हैं वो भी इसके स्टेक होल्डर हैं, लेकिन जो देख रहा है, जो कंज्यूमर है, वो इसका स्टेक होल्डर नहीं है फिलहाल, तो नहीं है, यह है भी तो इस हद तक नहीं है। तो उसको भी स्टेक होल्डर बनाना है, उसको भी इस फैमिली का पार्ट बनाना है, उसको भी लगना चाहिए कि यार ये मेरा है, उसको अपने वाली फीलिंग नहीं आ रही है इससे, और इसकी वजह से बहुत चीज़ें हो नहीं पा रही। वेल तो हमने ये देखा, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो हम जल्दी से ना हेलो वर्ल्ड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा तो खैर ये तो हमने पढ़ लिया। कह रहा है भाई प्रीरिक्विजिट कुछ भी नहीं है, HTML CSS JavaScript आती है तो सीख सकते हो आप ये, ठीक है। हु शुड लर्न और व्हाट शुड लर्न, ये हो गया। अब ये हेलो वर्ल्ड का केस है हमारा। अब ये जल्दी से हम हेलो वर्ल्ड बनाते हैं और आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे। हेलो वर्ल्ड कैसे बनाना है भला? हेलो वर्ल्ड आपको कैसे बनाना है कि देख रहे हो, नंबर वन, स्टार्ट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट ऑन कोड सैंडबॉक्स, गो हेयर। इस पर क्लिक करके ना ये देखो नया टैब खुला और ये एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया कोड सैंडबॉक्स पर, ठीक है। ये एक ऑनलाइन एडिटर है जिसके ऊपर क्या होता है, आप जो VS कोड में करते हैं वही यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, सही है। अच्छा इसके ऊपर आपने जाके क्या करना है, अच्छा ये तो आ गया ना यहाँ। नंबर टू, द प्रोजेक्ट विल हैव app.js ओपन। app.js की एक फाइल कह रहे हैं ओपन होगी, क्लोज दैट, डिलीट दैट, आ जाओ डिलीट कर देते हैं। ये देख रहे हो app.js की फाइल खुली हुई है, ये है app.js की फाइल जो खुली हुई है, डिलीट दैट, सही है, डिलीट, ख़त्म, खलास, सही है, आ जाओ भाई। आगे क्या बोला इसने, सेलेक्ट index.js, index.js ढूंढते हैं, ये आ गया index.js, सही है, index.js पे आ गया। अगला क्या बता रहा है, होल्ड योर ब्रेथ एंड डिलीट द एंटायर कॉन्टेंट ऑफ index.js, सांस को रोक के करना है, डिलीट हो गया, अब ले लो सांस, सही है। अच्छा आगे कह रहा है डिलीट कर दिया सारा कोड, कह रहा है टाइप दिस कोड, ये सारा कोड वहाँ पे आपने क्या करना है, टाइप करना है, और ये सारा कोड जब आप टाइप करेंगे तो आपको देख के टाइप करना है, कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो आ जाते हैं जल्दी से, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम React, सही है, import React DOM from React dash DOM, नहीं लिखा ही सही, सही तो है, सही तो है, क्या फर्क है, कोड सैंडबॉक्स खुद ही खुला है, वो लिंक पे क्लिक करने से खुद ही खुल जाएगा। सही कह रहे हो तुम, इस तरह के ऑनलाइन एडिटर बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसको यूज़ कर रहे हैं। बाय द वे उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ये अभी कर रहे हैं सर, उसके बाद तो हम VS कोड भी करेंगे बाकी का। हाँ अभी हम हेलो वर्ल्ड जैसे उस पर बना रहे हैं, बाकी तो फिर हम उस पर ही आ जाएंगे, अपने VS कोड पे ही आ जाएंगे। हाँ ये लिंक है ना, ये मैंने लिंक शेयर तो किया मैं सबको, अभी कर दूँ air.sysbot पे, ये लो वेब में मैंने लिंक शेयर कर दिया इसका, सही है, ये लो लिंक शेयर कर दिया, ये तो मैंने शुरू में ही
कल ही लास्ट क्लास में ही मैंने लिंक शेयर कर दिया था ये वाला कि हम ये इसको फॉलो करेंगे, नहीं किया था? चलो वेल, ये मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया तुम लोगों को, ये आपके पास अवेलेबल है, और मैं गिटहब में भी इसका लिंक पेस्ट कर दूँगा। अच्छा अच्छा, तो अब ये इतना तो हमने दो लाइनें कर ली, अब आगे करते हैं। हाय और हेलो वर्ल्ड, फंक्शन हाय और रिटर्न और हेलो वर्ल्ड, सही है जी। और उसके बाद रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर हाय डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और रूट, सही है। ये मैंने कोड कंप्लीट कर लिया जो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ था। जैसे ही मैंने कंप्लीट किया ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ गया यहाँ पर। हाँ ये रन हो गया ना, यही तो है, ये रन हो रहा है ना साइड पे। ये अभी तो ये जितना ये पहले बता रहे हैं ना उतना अपने हाथ से सब लोग लिखो, सही है। अच्छा अभी नहीं लिखो, अभी टाइम दूंगा मैं, फिर वी एस कोड में होगा, अभी नहीं होगा, वी एस कोड में हम बाद में करेंगे। हाँ वी एस कोड में आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। अच्छा अब देखो शुरू की जो इम्पोर्ट की लाइन है वो क्या है, एक एक करके समझते हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है, कोई आराम से समझेंगे। इम्पोर्ट की जो लाइन है, एट द टॉप देयर आर टू इम्पोर्ट स्टेटमेंट दीज पुल इन द रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम लाइब्रेरीज, ये दो लाइब्रेरीज हैं जिनको हम खींच के ला रहे हैं, पुल कर रहे हैं अपने पास इंक्लूड। जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन में हम ये काम कैसे करते थे, CDN से, सही है, CDN लगाते थे ना किसी भी दूसरी का, जैसे एक्जियोस का हमने CDN लगाया था। अच्छा विद ES6 जावास्क्रिप्ट हम ये काम इस तरह करते हैं, ये ES6 के अंदर होता है, ठीक है। तो हम बाई डिफ़ॉल्ट क्योंकि ES6 पढ़ रहे हैं, हम ES5 हम नहीं पढ़ रहे, तो ये तरीका भी हम ES6 का ही देख लें तो बेहतर है। पुराने को छोड़ो, पुराने सीखने की ज़रूरत ही नहीं है जी दोस्त। app.js डिलीट नहीं हो रही है। अच्छा थोड़ी देर में मैं देख लेता हूँ आके, अभी पहले यहाँ गौर करो जो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम इधर नहीं देख रहे। अच्छा अगला द हाई कंपोनेंट, जो हाई का जो कंपोनेंट है ना वो ये कह रहा है कि राइट अंडर द इम्पोर्ट फंक्शन इज कॉल्ड हाई, कह रहा है कि जो फॉरन इम्पोर्ट के फ़ौरन बाद फंक्शन लिखा हुआ है उसका नाम हाई है। दिस इज रियली ट्रूली प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, In fact, everything in this file, up to and including the word return, is a plain JavaScript, nothing React specific. कह रहे हैं इस कोड में पूरा जो आपने लिखा है ना, ये पूरा जो आपने लिखा है ये सब क्या है, ये सब JavaScript है। देखने में लग रहा है कि HTML लिखा हुआ है लेकिन है ये JavaScript behind the scene, ठीक है। अब वो कैसे है अब ये बताएगा अभी। कह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना div, आप इसको गौर करें, ये डबल कोटेशन में नहीं लिखा हुआ, ये स्ट्रिंग नहीं है। ये स्ट्रिंग होता तो डबल कोटेशन में लिखा हुआ होता, ये डबल कोटेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग के अलावा कुछ और है। कह रहा है कि जब ये कोड चलेगा ना तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इसमें। ये कुछ याद आ रहा है इसको देख के, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव नल और हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड क्या है, ये उसका टेक्स्ट नोड है, सही है, ये उस एलिमेंट का नाम है, ये इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ये हमने बुक में नहीं देखा लेकिन ये भी है, वो तीनों चीज़ें एक ही झटके में हम दे देते हैं तो वो हो जाता है। हमने तो अलग किया था ना, डॉक्यूमेंट क्रिएट नॉट क्रिएट अलग अलग किया था, ये साथ में हो गया। तो अच्छा ये नोट करो, डॉक्यूमेंट डॉट नहीं हो रहा है, ये रिएक्ट डॉट हो रहा है। अच्छा ये कौन, हम नहीं करेंगे, ये रिएक्ट खुद करेगा, ये उसका मसला है कब और कैसे करेगा, हमें नहीं करना, हम ये लिखेंगे बस बिल्कुल HTML की तरह। ये इसका वर्चुअल डॉम है, ये रिएक्ट के नाम से ना, एक तो डॉक्यूमेंट था वो इनका था, रिएक्ट के नाम से इन्होंने अपना बनाया था, और उस वर्चुअल डॉम में चेंजेस करते हैं और उसकी कॉपी जो है ना UI में दिखा देते हैं। जब जब चेंजेस होती हैं चेंजेस अपने डॉम में करते हैं और उसको पूरा उठा के एज इट इज डॉम पे दिखा देते हैं। नहीं समझा रहा हूँ क्या, देखो
जब रिएक्ट में आप कोई चीज़ लिखते हैं ना, जैसे पहले हम किस पे लिखते थे, HTML पे, HTML का टैग लिखा, वो क्या बनता था, डायरेक्ट JavaScript का डॉम बन जाता था। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप HTML तो लिख नहीं रहे, HTML तो आप लिख रहे ही नहीं है, आप लिख रहे हैं JSX, देखने में बिल्कुल HTML है, कोई फ़र्क नहीं है, आप लिख रहे हैं JSX कन्वर्ट किस में हो रहा है, React.createElement। अच्छा, React.createElement इनका वर्चुअल डॉम है, React.createElement करने से चीज़ स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी, इनका एक डॉम है जो नज़र नहीं आ रहा, उसमें ये बन जाएगा। अच्छा, जब जब उस वर्चुअल डॉम में कोई चेंजेस आती हैं, उस वर्चुअल डॉम की पूरी एक कॉपी निकालता है ये रिएक्ट, और कॉपी निकाल के ना उसको जावास्क्रिप्ट के डॉम पे करता है तो हमें दिक्कत होती है। अच्छा, ये मैनिपुलेशन जो है ना इनकी फास्ट है, ये कहते हैं कि हमने खुद जो बनाया हुआ ना डॉम उसकी मैनिपुलेशन फास्ट है, तो मैनिपुलेशन अपने वाले में करते हैं और उसकी एक कॉपी निकालते हैं और एक ही झटके में अपडेट मारते हैं, यानी हर दफ़ा एक नई कॉपी आती है, यानी जब एक क्लिक होता है ना तो पूरी UI हट जाती है, उसकी जगह पूरी एक नई UI आती है, हमें लगता नहीं है, पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत फास्ट होता है ये काम, तो ये वर्चुअल डॉम है। अच्छा, अब ये भी कर सकते थे ये कि जब मैं ये बात लिखूं तो ये क्या कर सकते थे, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते तो document.createElement करते ना डायरेक्ट, तो फिर वर्चुअल डॉम बीच में नहीं आता, फिर ये डायरेक्ट डॉम पे, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो स्लो है, वो डॉम ही स्लो है। एक तो हमने ये देखा था ना, इनर HTML स्लो है और क्रिएट एलिमेंट फास्ट है, ये कह रहे हैं क्रिएट एलिमेंट भी स्लो है, हमें उससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो इन्होंने अपना बना लिया खुद। ये अपनी लाइब्रेरी है इनकी, लगे हुए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, करते रहो, कोई क्यों कुछ बोलेगा। मतलब कह रहे हैं पागल है, लगे हुए लगा रहने दो। यही है ना यार, अगर मिसाल के तौर पर अभी वो दूसरी लाइब्रेरी आए, वो बोले यार इनका भी वर्चुअल डॉम स्लो है, हम अपना बनाएंगे, तो बनाते रहो, फारिग टाइम है तो लगे रहो। तो इनका जो टाइम था फारिग, इन्होंने लगाया और अभी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हो सकता है जो अभी दूसरी कंपनी है उसका भी काम को कल को लोग अप्रिशिएट करें, हो सकता है फ्लॉप भी हो जाए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई हैं लोग कि हम जावास्क्रिप्ट में ये कर देंगे, हम वो ऐड कर देंगे, वो फेल हो गई हैं। ठीक है, जैसे जिंदा मिसाल, इसने गूगल ने बनाया V8 इंजन, के जावास्क्रिप्ट का इंजन ना फ्रॉम स्क्रैच लिखा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का पुराना बना हुआ था इंजन, वो 1900 का वो था स्लो, क्योंकि वो ES6 के हिसाब से बना हुआ नहीं था, वो था स्लो। तो गूगल ने बोला कि हम बनाएंगे V8 इंजन, V8 बाय द वे गाड़ी का इंजन होता है, तो उसके नाम से इंस्पायर होकर बड़ी तेज़ होती है वो, लिख दिया वो, हाँ 8 सिलेंडर होती है, तो लिख दिया V8 इंजन, तो सबको जोश आ गया। मोज़िला फायरफॉक्स ने उन्होंने अपना इंजन लिखा फ्रॉम स्क्रैच, उसका नाम उन्होंने रखा स्पाइडर मंकी, अच्छा चल रहा है अभी भी। माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक इंजन लिखा चात्रा, चाचा चाचा बोलते थे उसको, लेकिन नाम उसका चाकरा इंजन है, तो वो उन्होंने बड़े जोश में बनाया था, स्टार्ट किया था, लेकिन अभी वो फिलहाल उन्होंने ना ये माइक्रोसॉफ्ट एज है ना जो नया वाला, उसमें वो चाकरा इंजन चलता था, तो वो फिर उन्होंने बाद में ना ख़त्म कर दिया उसको, डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि उनसे पता नहीं हो नहीं पाया, या उनको लगा कि यार अब बहुत टाइम लग गया इसमें फ़ायदा नहीं है। तो अब जितने भी माइक्रोसॉफ्ट एज जितने भी इंस्टॉल हुए हैं ना इसमें, ये सब में क्रोमियम है, क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है, तो फेल भी होते हैं बहुत सारे। हालांकि इतना टाइम लगाया उन्होंने, पूरा चाकरा इंजन रेडी था, तो वो ख़त्म कर दिया। होता है इस तरह भी, फेल हो जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो जाती हैं, समटाइम आइडियाज़ काम नहीं करते। अच्छा, तो ये पीछे बनेगा React.createElement, सही है, कौन बनाएगा इसको, ये बनाएगा एक बिल्ट इन सिस्टम है, जब हम रिएक्ट अपनी मशीन में इंस्टॉल करेंगे, अभी तक हमने अपनी मशीन में रिएक्ट इंस्टॉल नहीं किया है, जब हम अपनी मशीन में रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे तो एक बिल्ट इन सिस्टम हमारे साथ इंस्टॉल हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसमें वेब पैक होता है और बेबल होता है, ये दोनों मिल के ये पीछे खिचड़ी पका रहे होते हैं कि किसको कब क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद हो रहा होता है पीछे, बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, हमें उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे कर रहा है क्या कर रहा है, ये बस हमें थोड़ा सा डेटा दे रहा है कि पीछे ऐसे होता है, सही है। तो हम लिखेंगे ये वाला बिल्कुल HTML की तरह, कोई फ़र्क नहीं है HTML में और इसमें, बिहाइंड द सीन काम डिफरेंट है लेकिन फ़र्क कोई नहीं है, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है, एक ही है। अच्छा, अब है उसके बाद है रेंडरिंग। रेंडरिंग में क्या होता है, देखो अगर गौर से इसको देखो ना, हम क्या कर रहे हैं, हाई का कंपोनेंट कहाँ ले जाके रख दो, document.querySelector root, इस पे ले जाके ना अपेंड चाइल्ड करो, लेकिन अपेंड चाइल्ड हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है, रिएक्ट डॉम खुद कर रहा है, हमें नहीं कर रहे हैं।
समझ रहे हो ये? रेंडरिंग में हमने क्या किया, हमने जो कंपोनेंट बनाया था, हमने जो एक HTML बनाया था, हम यही करते थे ना कि एक एलिमेंट क्रिएट करो, उसका नाम रखो p, पैराग्राफ, एलिमेंट क्रिएट हो गया। उस एलिमेंट को फिर हम क्या करते थे, उस एलिमेंट को हम कहते थे कि भाई फला जगह जाओ और उसको अपेंड चाइल्ड कर दो उसमें, यही करते थे ना। तो अब हमने बोला है कि रिएक्ट डॉम में अपेंड चाइल्ड करो, सही है, क्या चीज़ हाई, और कहाँ करो, यहाँ जाके करो रूट के अंदर। अच्छा, तो इसका मतलब है रूट के नाम से कोई पहले से डेव बना हुआ होगा, जो कि बना हुआ है, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कहाँ है वो। ये जो रेंडर का फंक्शन हमने लिखा है ना, ये असल में बनेगा पीछे जाके, ये हमें नहीं ज़रूरत बनाने की, खुद बनेगा, ठीक है। जो हमने लिखा है ना हाई का कंपोनेंट, वो ऐसे ऐसे बनेगा, ये देख रहे हो, ये छोटा सा हाई ऐसा बन जाएगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट हाई, और इधर जाके अपेंड हो जाएगा, ये खुद होगा, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं इसमें दो तीन चीज़ें आप जहन में रखें। आप सबसे पहली चीज़ आप क्या जहन में रखें कि ये जो कोड है, दिस इज़ प्योर जावास्क्रिप्ट कोड, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो जावास्क्रिप्ट ना हो। जी हाँ हाँ, इसी की बात कर रहे हैं। एरर देगा? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि वी एस कोड में पहले आपको एक ऐसा सेटअप इंस्टॉल करना होगा ना, जो बेबल और वो सब पहले फिक्स करना होगा, तो उसके लिए आपको ना अपने पास रिएक्ट पूरा इंस्टॉल करना होगा। वो अभी हमने किया नहीं है, करेंगे हम बहुत जल्दी करेंगे। इधर ध्यान दो और से सुनो क्या बता रहा हूँ, कोड करने का टाइम दूंगा मैं। नहीं ना, बड़े प्रोजेक्ट में कैसे करोगे, बड़े प्रोजेक्ट में वो स्लो डाउन हो जाता है ये ऑनलाइन एडिटर, और कन्वीनियंस नहीं होता ना इसमें, एक ही स्क्रीन पे इतना कुछ आ रहा है। तो अभी ये इंटरनेट पे जो ऑनलाइन एडिटर हैं, दीज एडिटर आर नॉट रेडी फॉर डेवलपर्स, ठीक है। छोटे मोटे काम हो जाते हैं, कोड शेयर करने के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट उसमें फ़िलहाल प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये फिक्शनल बात है कि भाई ऑनलाइन जाएंगे, लिखेंगे, चल जाएगा, होता है, लेकिन अभी कन्वीनियंट नहीं है इतना, स्टेबल नहीं है। अच्छा, तो अब ये सारा कोड ये कह रहा है जावास्क्रिप्ट है, तो भाई जावास्क्रिप्ट में ये कैसे जावास्क्रिप्ट है? रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ये कौन सी जावास्क्रिप्ट है? ये तो हमने नहीं पढ़ी जावास्क्रिप्ट में। ये एक फंक्शन है, फंक्शन है ना, ये देखो कॉल सिग्नेचर लगा हुआ है, रेंडर के आगे कॉल सिग्नेचर ओपन है और आगे कॉल सिग्नेचर क्लोज है। तो ये फंक्शन है, और ये कहाँ से आया, रिएक्ट डॉम कहाँ से आया, रिएक्ट की लाइब्रेरी से आया, क्योंकि शुरू में इन्होंने कह दिया था कि रिएक्ट क्या है, यूआई बनाने की एक लाइब्रेरी है, ये उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद एक फंक्शन है जो हम कॉल कर रहे हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट इस तरह है, एक जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है, किसी लाइब्रेरी के जरिए हम उसको निकाल के कॉल कर रहे हैं, खुद नहीं हमने बनाया ये जावास्क्रिप्ट, हमने खुद नहीं लिखी, लाइब्रेरी का फंक्शन है, हम उठाते हैं उसको कॉल कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, बूटस्ट्रैप में जैसे होता है, बूटस्ट्रैप CSS की लाइब्रेरी है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। तो पीछे ये बन जाता है जाके। अच्छा, अबे योर टर्न। अच्छा, पहले तो आप सब लोग ना ये हेलो वर्ल्ड अपने हाथ से बनाएं, ये सब लोग हेलो वर्ल्ड अपने हाथ से बनाएं, और ये जो नीचे जाके ना योर टर्न जो है, ये योर टर्न जो है, 5 स्टेप इसके हैं, 6 स्टेप, ये सारे स्टेप करें, और फिर अगली क्लास में ये मैं देखूँगा सब लोगों का, सही है। अच्छा, ये जब हो जाए ना आपका, तो ये जो लिंक है इसका, ये हर बंदे को एक नया लिंक बना के देता है ये, तो ये लिंक आपने जो है ना अपने पास सेव कर लेना है, अगली क्लास में यही लिंक आप देंगे तो मैं खोल के चेक करूँगा, अभी बनाना है ये, ये जो ऊपर लिंक है ना कोड के, कोड भी है, कोड सैंडबॉक्स के, ये देख रहे हो, ये हर बंदे को एक नया लिंक देता है, सेम नहीं होता है, दो बार खोलोगे तो दूसरा लिंक आ जाएगा, अगली बार दूसरा आ जाता है, वो सेव नहीं रहता पीछे पुराना वाला, सही है। तो ये योर टर्न में जो बात लिखी हुई है ना उन्होंने, ये भी सारा करना है। तो पहले तो ये हेलो वर्ल्ड जल्दी से लिख लो, ये वाला जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये सब लोग जल्दी से लिखो, अभी आ रहा हूँ मैं तुम लोगों के पास, ठीक है, देखने के लिए। ये वाला हेलो वर्ल्ड सब लोग लिखना शुरू कर दें अपने हाथ से, हो गया, आ रहा हूँ मैं देखने के लिए। अच्छा, जिनका ये हो गया ना, वो नीचे लिखे योर टर्न, इसका लिंक भी आपको मैं शेयर कर चुका हूँ, air.sysborg.com पर।